तो आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं इसके लिए, पहले तो माय अपोलॉजीज टू एवरीवन। आई एम उत्कर्ष द्विवेदी, ऑल इंडिया रैंक 5। तो इफ़ आई वांट टू गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है फ्रॉम VIT वेल्लोर, और देन आई ग्रेजुएटेड इन 2018। आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ऐसी और भी गलतियाँ होंगी, ठीक है। आई होप यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और फिर 2018 में फिर मैं आया दिल्ली, और आई जॉइंड द विजन फाउंडेशन। और फिर 2019 में आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज, फिर बट 23 मार्क्स से मेरा रुक गया। फिर आई अगेन अपीयर फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट, फिर इंटरव्यू तक पहुँचे, फिर 11 मार्क्स से रुक गया, फिर तीसरी बार दिया, तो जब उम्मीद नहीं थी तब 5th रैंक आ गई। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस एग्जामिनेशन में, और ये मैं डराने के लिए या धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये हकीकत है, बिकॉज दैट इज़ हाउ UPSC इज़ एंड दैट इज़ हाउ लाइफ इज, ठीक है। तो और स्कोर्स, UPSC जर्नी सो फार एंड स्कोर्स अचीव्ड, तो ठीक है, आई राइट द स्कोर्स। देखिए पहले प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। देखिए पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियर है तो टेक्नोलॉजी में तो वैसे ही हाथ तंग है मेरा। तो प्लीज़ डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, इंजीनियर्स की यार ऐसी हैंडराइटिंग होती है, ठीक है। तो मेरा स्कोर आया था 107 पहले पेपर में, ठीक है। आई एम ऑडिबल एट दी बैक राइट, पीछे जो लोग बैठे हैं भाई सुनाई दे रहा है, ठीक है, सो मत जाना। फिर सेकेंड टाइम 100 नंबर आए, और इस बार 94 आए, ठीक है, मतलब अगर 2022 में देना होता तो और CSAT का स्कोर भी देख लो, 117 थे शायद, फिर 112 थे, और इस बार तो ये हालत तो इंजीनियर्स की है। तो ये था प्रीलिम्स का, ठीक है। तो जब मेंस की बात करेंगे तो मैं अपना मेंस का स्कोर आपसे शेयर करूंगा। तो अब प्रीलिम्स के लिए कैसे क्या किया जाए, बिकॉज देखिए जो मैं पहले टॉपर स्टॉक देख रहा था विजन के, तो सब 2.5 घंटे 3 घंटे, तो थोड़ा पीयर प्रेशर आ गया यार मेरे ऊपर कि इतना देर कैसे बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग खाली 1.5 घंटे 1 घंटे बोल देंगे तो बाकी लोग बोलेंगे कुछ बताया नहीं तुमने। जैसे कल भी आई वॉज समवेयर एट संकल्प, तो पीपल वर आस्किंग सर क्या स्ट्रैटेजी है रैंक 5 की, अब क्या बताएं क्या स्ट्रैटेजी है। मतलब देर इज नो स्ट्रैटेजी यार, इसका किसी को पता होता है क्या कि 5th रैंक आने वाली है। मतलब मुझे तो जब मम्मी ने बताया 5th रैंक है, मैंने कहा मम्मी फेक है PDF। नहीं सही बता रहा हूँ, बिकॉज उस समय UPSC की वेबसाइट पे दिख नहीं रहा था, बट पता नहीं कहाँ से टेलीग्राम वगैरह पे PDF आ गई थी, पता नहीं कहाँ से मिल जाती उन लोगों को। तो देखिए प्रीलिम्स में ऐसा है कि इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, और सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं,
ये पूरी एग्ज़ाम ही प्रैक्टिस किया. दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्कॉलर्स, ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना यू विल होन योर स्किल्स. ठीक है, आप कंफर्टेबल है ना हिंदी इंग्लिश की, कोई की इंग्लिश में ही रखें क्या रखें. तो मेरा प्रीलिम्स का यार एक ही फंडा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाने हैं. अब उसका फ़ायदा क्या होता है, देखो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ठीक है. तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो पता है क्या होता है कि आप धीरे धीरे ना पैटर्न्स रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं ऑप्शंस में. मतलब आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स को क्लियर किया होगा, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स लगाए होंगे. तो जब आप इतने पेपर्स लगा देते हैं, अब मैंने कितने लगाए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है. अब थोड़ा ब्रैक करते हैं, तो यार 2019 में मैंने अराउंड 72 पेपर लगाए प्रीलिम्स में, ठीक है. और मैं कोचिंग भी कर रहा था यहाँ विजन में, फाउंडेशन भी चल रहा था, तो वो अप्रैल तक चला था. और साथ साथ मैंने जनवरी से शुरू कर दिया था लगाना, बिकॉज यार आपको क्लास भी जो है करनी है, पेपर भी लगाने हैं. और देखो मेरा पहला अटैम्प्ट ना 2019 में था, और अगर आप में से किसी को याद हो तो 2018 का पेपर बहुत टफ आया था. तो फिर एक डर सा हो गया था प्रीलिम्स को लेके. तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा तो मतलब जीवन का एक ही मकसद था, वो था प्री निकालना. क्योंकि यार प्री नहीं निकलता तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस जाता है कि यार प्री नहीं निकल रहा, बेइज्जती भी होती है. और उसके बाद फिर लगता है कि मतलब आगे का क्या होगा, अभी प्री नहीं निकल रहा तो मेंस कैसे निकालेंगे, इंटरव्यू तक कैसे पहुँचेंगे. तो मैंने सारा जो भी जितना एनर्जी जितना प्रिपरेशन था सब प्रीलिम्स में झोंक दिया अपने आप को, ठीक है. और फिर ठीक है स्कोर भी आ गया, निकल भी गया प्रीलिम्स, ठीक है. फिर 2020 में मैंने और पेपर्स लगाए, बिकॉज कोविड आ गया था तो टाइम मिल गया, ठीक है. विजन में और कोचिंग्स ने भी नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए थे, तो मैंने 97 टेस्ट लगाए, ठीक है. स्कोर तो खैर कम हो गया लेकिन कोई बात नहीं. फिर 2021 में मैंने अराउंड 66 टेस्ट लगाए थे. तो देखिए क्या होता है कि ये तो एक टेस्ट का पार्ट हो गया, ठीक है, ये तो प्रैक्टिस हो गई, इससे आपके क्वेश्चंस हो गए करीबन 6,000 से 7,000 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो गए. अब बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है. इसकी एक किताब आती है मृणाल की, लास्ट 25-26 ईयर्स, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करिए. बिकॉज यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी का एक अलग पैटर्न है ऑप्शंस देने का, तो उस पैटर्न को आप कैसे समझेंगे, या क्वेश्चंस पूछने का एक अलग पैटर्न होता है यूपीएससी का, ठीक है. तो वो समझने के लिए यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सामने कि भाई देख लो हम कैसे पूछते हैं. तो आप इस किताब को ज़रूर लगाएगा, ये आपने लगा लिया, ठीक है, आपने इतने लगा लिए तो आपके अराउंड 10,000 क्वेश्चंस हो गए. अब यार इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आपको लगता है प्री रुकेगा किसी का, नहीं रुकेगा ना, बिकॉज आपने इस लेवल पे मेहनत कर दी है कि आप निकाल ही देंगे इस एग्जाम को, एटलीस्ट प्रीलिम्स को तो आप निकाल ही देंगे, ठीक है. और फिर देखिए अब प्रीलिम्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने चाहिए. तो मैं हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बिलीव करता हूँ, बिकॉज एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ नहीं मेरे अंदर. तो ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा गलत भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि अब देखो जैसा क्वेश्चंस आ रहा है प्रीलिम्स में इस बार का, तो यार मतलब पेपर मैंने देखा 5 जून को, फिर आधा पढ़ा उसको तो मैंने बंद कर दिया. मैंने कह रही तो सॉल्व ही नहीं होगा, इसको छोड़ो हटाओ, बहुत टफ हो गया है. तो लेकिन उसे डरना नहीं है यार, टफ हो रहा है तो डरना थोड़ी है, टफ हो रहा है तो उसका कट ऑफ भी तो नीचे जा रहा है. सबके लिए टफ है, सिर्फ हमारे लिए टफ थोड़ी है. तो कोई अभी मुझसे पूछ भी रहा था कि ये जो फियर ऑफ प्रीलिम्स है इसको कैसे निकालें. तो पहली बात ये जो वर्ड है ना फियर, इसको आप निकाल दो यार, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, डर के ये एग्जाम नहीं निकल पाएगी. इनफैक्ट डर के जीवन में कोई काम नहीं होता है. दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर बोल्ड एंड टेक डिसीजंस एंड कैन स्टैंड बाय देम. तो जो डरेगा वो नहीं कर पाएगा. तो डर के आगे जीत है, सुना ही होगा आप लोगों ने, तो डरना नहीं है. तो मैंने पहले बार में 91 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे टोटल,
दूसरे में 94 किए थे, तीसरे में 98 किए थे, क्योंकि यार 2021 का पेपर था तो इतना अजीब से क्वेश्चंस आ गए थे, तो मुझे लगा कम अटेम्प्ट करेंगे तो वैसे ही जो है बाहर हो जाएंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके अटेम्प्ट करते हैं। तो क्या मेरे पास टाइम दो क्वेश्चन और था अटेम्प्ट करने का, लेकिन मैंने कहा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इतना मतलब मजाक भी नहीं करते हैं इसके साथ कि सभी अटेम्प्ट कर दें, ठीक है। और मैंने जो लास्ट में तीन क्वेश्चन किए थे वो सही निकले थे, और देखिए मेरा स्कोर बना 94 करीबन स्कोर बना था मेरा, वो नहीं मैंने अटेम्प्ट किए होते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। तो बोल्ड होकर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। कोई अगर ऑप्शन लग रहा है अंदर से, इंट्यूशन आ रहा है कि ये सही है, तो कई बार सही होगा, वो इंट्यूशन इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने उसको कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, तो अपने इंट्यूशन पे अपने ऊपर भरोसा रखिए जो आपने पढ़ा है उसको, ठीक है। और मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स या एग्जाम रिलेटेड, ये भी मैंने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स को लेके। और अब सोर्सेज की बात करते हैं प्रीलिम्स के, तो क्या सोर्सेज होने चाहिए। देखिए प्रीलिम्स हो चाहे पूरी एग्जाम हो, आपके सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, यार मैंने 4 साल में 3 किताबें पढ़ी हैं, एक स्पेक्ट्रम, एक लक्ष्मीकांत और एक शंकर आईएएस की एनवायरमेंट वाली, और वो तीसरी वाली इतनी कुछ खास नहीं है तो उसको फिर से नहीं पढ़ा, तो स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत बची, बाकी एनसीईआरटीज। तो बाकी फिर क्या किया मैंने, बाकी फिर टेस्ट लगाए जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया जाता है। तो देखो आई एम समवन हु इज अ बिलीवर ऑफ गिविंग अ लॉट्स ऑफ टेस्ट, टेकिंग लॉट्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट देने के फायदे क्या क्या होते हैं, पहला फायदा तो यही होता है कि किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप टेस्ट्स को एग्जाम सिचुएशन में कैसे सिमुलेट करें, कैसे लें, उसको आप सीख जाते हैं, आप पेपर कंप्लीट करना सीख जाते हैं, उस स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हैं। तीसरी चीज़, आप जो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर नहीं कर सकते, उनको जो कोचिंग्स कवर कर देती हैं, उनके आपके पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, बिकॉज यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट यू नो नॉट लूजिंग योर ग्राउंड। जब आप प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस समय पे कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई मेरी, ये नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो यार, कितनी भी गूगली हो, कुछ भी हो, तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है और मेंटल स्टेबिलिटी को नहीं खोना इस एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली उस दिन में, उस मोमेंट में, उस टाइम पे आपको सिर्फ ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इस समय इस पेपर को करना है, कैसा भी क्वेश्चन है, कितना भी टफ क्वेश्चन है, सबके लिए वो टफ है यार, ठीक है। मेंस का भी कट ऑफ गिर रहा है, प्रीलिम्स का भी कट ऑफ गिर रहा है, तो टेस्ट के लिए और प्रीलिम्स के लिए। और आप लोग बताइए, पहले प्रीलिम्स का सेक्शन अच्छे से क्लोज करते हैं, मेरी तरफ से मतलब इतना ही था। आप लोग बताइए आपके प्रीलिम्स को लेकर क्या क्या डाउट्स हैं, फिर वील मूव ऑन टू मेन्स। अच्छा सीसैट की बात रह गई है, सीसैट की बात कर लेते हैं एक बार। देखो सीसैट का यार ऐसा है कि मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लेता था सीसैट में, 2 साल के, जैसे 2022 है तो 2000 मान लो 20-21 के आपने पेपर लगा लिया। बट अब यार जितना टफ सीसैट होता जा रहा है, 2 साल के पेपर से काम नहीं होगा, तो फिर जो वही जो मृणाल वाली किताब मैंने बताई ना, तो उसी में 2013 से लेके अभी तक के जितने जो है सीसैट के क्वेश्चंस हैं सारे हैं, तो उसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। और अब क्या होता है कि जैसे इंग्लिश ज़्यादा अटेम्प्ट करें कि क्वांट ज़्यादा अटेम्प्ट करें कि लॉजिकल रीजनिंग की मैथ्स, तो देखो मैं इंजीनियर हूँ तो मैं तो ज़्यादा इंग्लिश अटेम्प्ट करता था, ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, मेरी बैक भी लगी हुई है कॉलेज में। अच्छा ये चीज़ आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए ये चीज़ ज़रूरी भी है आप लोग को जानना। तो इंट्रोडक्शन में मैंने अपने फेलियर्स के बारे में तो बताया ही नहीं आपको। देखो आई ट्राइड ट्वाइस फॉर आईआईटी जेई, ठीक है। पहली बार में तो मेंस ही नहीं निकला, एडवांस तो देने ही नहीं मिला। दूसरी बार में मेंस निकला तो एडवांस नहीं निकला। फिर उसके बाद चलो आई गॉट एडमिशन एट VIT, मैकेनिकल भी मिल गया जो भी है। फिर वहाँ गए तो वहाँ पे मतलब बैक लग गई 2 बार, और वो भी कोर सब्जेक्ट्स में बैक लगी, थर्मोडायनेमिक्स में और मैथ्स में। तो चलो ठीक है, वो भी फिर निकाला।
फिर उसके बाद यूपीएससी के लिए आए, 3 बार दिया, 2 बार फेल हो गए, तो व्हाट डज इट टेल यू? लर्न फ्रॉम फेलियर्स और पेशेंस, परसिस्टेंस. Never underestimate yourself. और कुछ? देखिए आप लोगों ने जो बोला सही बोला है. एब्सोल्युटली नेवर गिव अप. हार नहीं मानना यार. अब देखो अगर थोड़ा टाइम बढ़ाना है पीयर प्रेशर में तो थोड़ी फिलोसफिकल बातें भी कर दूंगा मैं, ठीक है? ये तो मैं जवाब कर दूंगा यार बैचमेट्स को जाके. तो चाहे यूपीएससी हो चाहे लाइफ हो यार, हिम्मत नहीं हारनी है लाइफ में. और देखिए जब आप फेल होते हैं तो एवरीवन गोज थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ ग्रीफ, ठीक है? हम सब लोग रोते हैं, सब लोग घर पे कॉल करते हैं, ठीक है? बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है लोगों से. बहुत ही अनफॉरगिविंग सोसाइटी यार हमारी. इफ़ यू फेल मतलब पीपल डोंट फॉरगिव यू. तो जैसे पिछली बार भी जब मेरा पहली बार में नहीं हुआ तो इतना दुख नहीं हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा मतलब इंटरव्यू का तो मैंने सोचा भी नहीं था, पहुंच गए थे वहां तक. तो जब नहीं हुआ तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं यार, पहली बार मैं यहाँ तक पहुंच गए, वही अपने में अचीवमेंट है. फिर मार्कशीट आई तो फिर देखा कि ऑप्शनल में कम है, फिर उस पर काम किया, फिर और भी चीज़ों पर मैंने बहुत काम किया दूसरी बार में. बिकॉज यार पहली बार में क्या हुआ कि क्योंकि एक साल मैं कोचिंग कर रहा था और तुरंत फिर मैंने एग्जाम दे दी तो बहुत पढ़ने उड़ने का समय नहीं मिला. खैर पढ़ने का समय तो मुझे कभी नहीं मिला वैसे भी, क्योंकि मैंने 3 अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिया है. तो आप लगातार वो 2-2, 3-3 महीने की साइकिल में फंसे रहते हैं. तो आपको और ये अच्छी भी बात है यार, चलो इसी बहाने मतलब बहुत पढ़ना नहीं पड़ा. तो फिर क्या हुआ कि सेकेंड टाइम पे मैं बहुत श्योर था अपने सिलेक्शन को लेके बहुत. फिर मेरी किसी से बात भी हो रही थी तो कुछ टाइम पहले उनका कॉल आया कि क्या लगता है हो जाएगा. मैंने कहा 100% हो जाएगा, बट फिर नहीं हुआ. तो फिर यू नो मैंने भी घर पे कॉल किया, रोने लगा. मैंने मम्मी से कहा मम्मी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 2-2 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलत कर रहा हूँ. तो कभी कभी देखिए जैसे अनुदीप दूरी शेट्टी सर बोलते हैं, तो जिस साल आप डिजर्व करेंगे, जिस साल आप प्रिपेयर हो जाएंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, उस साल आपका इस एग्ज़ाम में हो जाएगा सिलेक्शन. तो फिर लास्ट ईयर जब सेकेंड टाइम पर मेरा नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ दिन में प्रीलिम्स था, फिर प्रीलिम्स दिया. और बहुत हिम्मत तो नहीं थी, बट फिर मम्मी ने कहा दे दो, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तब भी ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब घर वालों कोई टेंशन नहीं है तो मैं क्या टेंशन ले रहा हूँ. तो फिर दे दिया. तो फिर उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और पीपल वर नॉट टेलिंग मी बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था. तो एक तो वैसे ही इतना यार दुख हो गया था कि एग्ज़ाम नहीं निकली दूसरी बार, फिर पता लगा पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब है. फिर उसके बाद मैं इंदौर गया तो वहाँ मेरे नाना नानी आए हुए थे, इसीलिए आए हुए थे. और फिर एक दिन अचानक रात को नानी को हार्ट अटैक आ गया एंड शी लेफ्ट अस. और मेरे सामने ही हुआ ये चीज़, आई वॉज विद हर इन द एम्बुलेंस जब ये हुआ, मतलब लास्ट ब्रेथ उन्होंने मेरे हाथ में थी वो. फिर इंदौर से लेके उनको अयोध्या गए, ये वो पूरा. फिर इनफैक्ट जिस दिन प्री का भी रिजल्ट आया इस बार 2021 में, तो उस दिन मैं उनका अस्थि विसर्जन करके आ रहा था. आई हैड गॉन टू बनारस एंड प्रयागराज त्रिवेणी संगम. तो शाम को आया प्री का रिजल्ट, तो चलो हो गया. फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया 15 नवंबर को इस बार, ठीक है? कुछ दिन तो सेटल होने में लगे. फिर एक दिसंबर का महीना मुझे मिला पढ़ाई करने के लिए. उसके बाद फिर मेंस आ गया, तो मेंस में तो सबकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है? तो उसी में स्टमक इन्फेक्शन वगैरह भी मुझे हो गया था. तो कुल मिला के बात यह है कि इस अटेम्प्ट में 5th रैंक वाली पढ़ाई तो नहीं की थी यार. बट क्या होता है कि फिर जब व्हेन यू ब्रेस सच हार्ड टाइम इन योर लाइफ, और अगर आप तब भी हिम्मत नहीं हारे तो फिर आप समझ लीजिए आप तैयार हैं अब कुछ बनने के लिए. तो ये मैंने इसीलिए शेयर किया बिकॉज यू शुड नो दिस कि
जो लोग सेलेक्ट भी हो रहे हैं, यार आप ही में से लोग हैं। कुछ टाइम पहले मैं वहाँ बैठता था, मैं टॉपर स्टॉक देखता था, कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हाँ हम भी एक दिन ऐसे टॉपर स्टॉक देंगे। हाँ, इच्छा तो सबकी होती है, तो देखना कुछ टाइम बाद आप में से ही कोई आएगा यहाँ पे खड़े होकर टॉपर स्टॉक देगा। तो इसलिए लाइफ में कुछ भी हो जाए यार, हिम्मत नहीं हारना है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मेरे अलावा और मुझसे अच्छा बहुत लोग बोल के आपको बता के जाएंगे और बता के गए भी होंगे। लेकिन अगर आपको मुझसे एक चीज़ लेके जानी लाइफ में, तो आप यही लेके जाइए कि आप कुछ भी हो जाए आप जीवन में हिम्मत नहीं हारिएगा, यूपीएससी और नो यूपीएससी। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ यार, और इट इज़ वेरी इजी टू से वंस यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बट ये हकीकत है, यू नो, टेक ब्रेक्स, डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। जैसे मेरा भी जब मेंस हो जाता था तो उसके बाद एक दो महीने समय होता था, तो आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, यू नो, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु मोटिवेट यू। जैसे आई रिमेंबर कुछ मेरे भी मेंटर्स थे जो हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। तो जब मेरा नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तो एक भैया हैं, उनकी लास्ट ईयर टॉप 50 में रैंक आई है, तो वो मुझे बोलते थे यार ये चीज़ की, उत्कर्ष, फॉर यू इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो ऐसे लोग होने चाहिए यार आपकी लाइफ में। ठीक है, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी मत रखिए, क्योंकि इस जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, 4 साल मुझे भी लग गए। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए फिर से बीटेक कर लिया मैंने। ठीक है, तो कई लोगों के लिए, चलो मैं तो लकी हूँ कि तीसरे में चलो हो गया, 4 भी खिंच सकता है, 5 भी हो जाता है, 6 भी हो जाता है। फिर आप सस्टेन कैसे रखेंगे अपने आप को इतने टाइम तक, अगर आप बीच में ब्रेक्स नहीं लेंगे? ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टच में नहीं रहेंगे? ठीक है, किताब एक ही पॉइंट तक ले जा पाएगी ना आपको लाइफ में, उसके आगे? तो हैविंग सेड दैट, और प्रिलिम्स का भी थोड़ा बहुत जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया ही, बाकी मैं चाहता हूँ आपके प्रिलिम्स को लेके क्या क्या डाउट्स हैं उसको पहले जो है निपटाते हैं, फिर वील मूव ऑन टू मेंस। यस, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स में यार, क्योंकि आप में से भी कई लोगों का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स तो होगा नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट तो है ही यार, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिला के पहले तो मेरे कोर नोट्स थे विजन के। ठीक है, एक हमारे सर थे जुल्फिकार सर, ही इज़ नो मोर, तो यार बहुत बढ़िया उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। इनफैक्ट मैंने 3 अटेम्प्ट में इनके नोट्स पढ़े थे खाली, फॉर स्टैटिक। ठीक है, फिर इसके साथ आप क्या करेंगे, आप करंट अफेयर्स का एलिमेंट आता है इसमें, होगा जैसे विजन की मंथली हो सकती है, हालांकि मैं पीटी और मेंस 365 पे ज़्यादा रिलाई करता था, प्लस न्यूज़पेपर्स, प्लस इकोनॉमिक सर्वे, समरी विजन वाली, प्लस जो भी बजट है। अब देखो, इसमें मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता दिया जो बहुत एक्सक्लूसिव है, आप सबको ये सब पता है, क्योंकि यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और बहुत सारी इकोनॉमिक्स को लेके किताब पढ़ने के पीछे मत भागिए। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो फंडामेंटल्स है ना यार, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे कुछ की टर्म्स होते हैं जो भी हैं, रेवेन्यू डेफिसिट है या फिस्कल एक्सपेंडिचर है, जो भी टर्म्स हैं, इनका एक मतलब होता है, ठीक है, या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं आया समझ में कि क्या होता है नीर और रीर। लेकिन तो फिर क्या करिए, जैसे आप कभी भी न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो आप कोई आपने आर्टिकल पढ़ा इकोनॉमी से रिलेटेड, फिर उसमें कुछ वर्ड्स होंगे कि गवर्नमेंट ये प्लान करिए, इतना परसेंट ये होगा, इतना परसेंट ये होगा। अब उन वर्ड्स को सर्च करिए ऑनलाइन, कुछ वेबसाइट्स हैं
जैसे एक है विकासपीडिया, एक दूसरी है इन्वेस्टोपीडिया और तीसरी एक है अर्थपीडिया, ARTHPEDIA। तो कोई अगर टर्म आपको नहीं आता है, ठीक है, उस टर्म को आपने गूगल पे टाइप किया और यहां पे लिख दिया आपने इन्वेस्टोपीडिया, उसके बाद अब आप उस टर्म को अच्छे से समझिए। इकोनॉमिक्स में यार सारा खेल ही आपका फंडामेंटल्स का है कि आपको वो चीज समझ में आती है कि उस वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अपने बेसिक्स को इकोनॉमिक्स में बहुत स्ट्रांग रखिए, और क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको वो टर्म्स पता नहीं है तो उसको आप मेंस के आंसर में लिख भी नहीं पाएंगे, बिकॉज मेंस में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का इतना टारगेट है, फिस्कल डेफिसिट का इतना टारगेट है, जो है इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो बढ़ाने का। तो फोकस मोर ऑन द बेसिक्स, क्योंकि जैसे आपने मेंस में आंसर लिखा तो उसमें आपको वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा या कुछ ग्राफ्स होंगे कि GDP कैसे बढ़ रही है, ठीक है, या ऐसे आप दिखा देंगे कोविड और ये सब, या अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेशियो है, अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग टाइप्स के हैं तो आपको सबका मतलब पता होना चाहिए, या पॉवर्टी लाइन अलग अलग टाइप्स की होती हैं, हेड काउंट रेशियो होता है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स होता है, ठीक है, BPL क्या होता है, APL क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये एक एक टर्म आपको पता होना चाहिए अच्छे से, इसका मतलब क्या है, तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और तभी आप उसको आंसर में लिख पाएंगे। और प्रीलिम्स को लेके और क्या क्या डाउट्स हैं? करंट अफेयर्स, ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो चीज है, पहली चीज तो इसके पीछे बहुत ज्यादा भागना नहीं है। वो क्यों? क्योंकि एवरीथिंग अंडर द सन इज करंट अफेयर्स। अब आप कितना पढ़ पाएंगे, और आपने इतना पढ़ भी लिया तो आप कितना रिटेन कर पाएंगे, और रिटेन करने के बाद कितना उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जाम में, और कितना उसके क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, और उसके बाद भी UPSC ऐसा पूछ लेता जो किसी को कुछ नहीं पता। अब ब्लू LED पूछ लिया, अब पता नहीं कहां से पूछ लिया, क्या करें भाई, अब नहीं आता तो नहीं आता है, कितना पढ़ पाएंगे। अब 2014 में नोबेल प्राइज मिला है, कॉलेज में थे यार, मतलब तब। तो करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेस को पहली बात लिमिट करिए। देखिए एक चीज आप याद रखिए, आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे ना, मैं आपसे यही बोलूंगा कि सोर्सेस को लिमिट रखिए, ज्यादा पढ़िए मत और ज्यादा टेस्ट लगाइए, बिकॉज यही किया ही है मैंने, तो मैं आपको अलग से क्या बता पाऊंगा। तो पहला तो हो गया कि न्यूज़पेपर्स, या देखो न्यूज़पेपर्स ना नॉन नेगोशिएबल है। जैसे मुझसे कल कोई पूछ भी रहा था कि सर अगर एक दो दिन न्यूज़पेपर छूट जाए फिर उसको मैगजीन से पढ़ ले, मैंने कहा नहीं। न्यूज़पेपर्स सिर्फ UPSC के लिए नहीं, मतलब यार एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब हालांकि मैंने तो पढ़ा नहीं एक महीने से जब से मेरा रिजल्ट आया है, लेकिन अब एग्जाम आपको देनी है, मुझे थोड़ी देनी है भाई, लेकिन मैं वैसे पढ़ता था, और एक नहीं मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब ये भी कैसे पढ़ते हैं कम टाइम में मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज तो हिंदू मैं पूरा पढ़ता था, इसको मैं पूरा पढ़ता था, मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिकल न्यूज और ये सब हटा दीजिए। फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस पे जाता था, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में सिर्फ एडिटोरियल और एक्सप्लेन, फिर मैं मिंट पे जाता था, मिंट में फर्स्ट पेज पे मिंट प्राइमर होता है, उसमें किसी भी टॉपिक को 5 क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आपने को देखा होगा, मिंट देखा है पहली बार? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड पेज पे उसके कुछ फैक्ट्स, प्लेन फैक्ट्स, यहां से कुछ आपको डेटा मिल जाता है जो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तीसरा एक होता है इसमें लॉन्ग स्टोरी,
इसमें किसी भी टॉपिक को बहुत बढ़िया से एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करते हैं। कई बार टॉपिक्स एकदम इरेलीवेंट से भी आता है तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कई बार बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स आते हैं। मान लीजिए पीएम गति शक्ति पे आ जाएगा, अब वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से वो लोग समझा देंगे आपको क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और उसके बाद इसका एडिटोरियल आता है। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये सब पढ़िए, लेकिन ये करीबन 2 से 2.5 घंटे में इतना हो जाता है, आपका 3 न्यूज़पेपर आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3 नहीं पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक तो पूरा पढ़ लीजिए, इन दोनों में से एक कोई पढ़ लीजिए आप पूरा, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा न्यूज़पेपर्स। अच्छा, न्यूज़पेपर्स पढ़ने के फायदे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि होता है यार कितनी बार भी बोल के जाओ न्यूज़पेपर पढ़ो पढ़ो लेकिन नहीं पढ़ते बच्चे। तो पहला फायदा तो यार सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा होता है ना वो ये होता है कि आपका ना एक किसी टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए अग्निपथ की स्कीम है, अब उस पर रोज कुछ ना कुछ एडिटोरियल्स आते ही रहेंगे और हर पर्सपेक्टिव से आते रहेंगे, ठीक है। तो आप जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन उस एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कोई आपसे रात को भी उठा के पूछेगा कि अग्निपथ के बारे में बताओ तो आप उसको बता देंगे। अब यही मान लीजिए आपने मैगजीन पढ़ ली न्यूज़पेपर छोड़ के, ठीक है आप, तो फिर क्या होगा कि चलो ठीक है उस समय आपने पढ़ा, पहली बात तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसमें एक पेज में सब कुछ समराइज करना होगा, तो आपके पास बस उसमें कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे आपके पास। अब उन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो ठीक है, तो आपको लगा मुझे आ गया अग्निपथ समझ में। अब फिर क्या होता है जब एग्जाम आता है तब बहुत सारी मैगजीन हो जाती हैं, ऐसे पूरा स्टैक बन जाएगा मैगजीन्स का, अब सब रिवाइज करो बैठ के, और वो कर नहीं पाते हम लोग। और फिर जो चीज़ आपने याद की है वो एग्जाम के प्रेशर में याद आए या ना आ पाए उसका क्या गारंटी है, लेकिन जो चीज़ आपने समझी हुई है, जो आपने इतना पढ़ा है दैट इट हैज़ बीन इनग्रेन्ड इन योर अंडरस्टैंडिंग इन योर ब्रेन, तो वो कोई भी आपसे पूछ लेगा आप उसके बारे में बता देंगे। और जैसे क्या होता है ना कि मेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है आंसर्स लिखवा के, तो अगर आपकी नॉलेज इतनी डिस्टिल्ड है कि आपको सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स पता है कुछ चीज़ों को लेके, तो आप उस चीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस आंसर में, और वो एग्जामिनर समझ जाएगा दैट यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। तो इसीलिए न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है और यार नॉन नेगोशिएबल है, मतलब पढ़ लो, रिक्वेस्ट है यार, एक तो पढ़ ही लो। अब दूसरा, आफ्टर न्यूज़पेपर पहला हो गया न्यूज़पेपर, और दूसरा आप पीटी या मेंस 365 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा सोर्स क्या होगा? तीसरा सोर्स होगा आपके टेस्ट सीरीज, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वहां पे टेस्ट सीरीज काम आती है, आप यहां से उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो तो नहीं हो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब और कितना पढ़ोगे बताओ, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे करंट अफेयर के लिए? और पढ़ भी लोगे तो कंसोलिडेट कैसे करोगे, कंसोलिडेट कैसे करोगे, फिर उसका याद कैसे करोगे? तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं यार जो आती हैं, इसीलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे लिए तो बहुत आसान है यार 4-5 सोर्स और लिखना, लेकिन मतलब नहीं है, जब खुद नहीं पढ़ा तो फिर झूठ कैसे बोले आपसे। तो आई थिंक इतना काफी है करंट अफेयर्स के लिए। और फिर इसके बाद भी अगर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, लाइफ में उन्हीं चीजों को तो कंट्रोल किया जा सकता है जो आपके हाथ में है। अब यूपीएससी क्या पूछने वाला है वो आपके हाथ में थोड़ी है, लेकिन ज्यादा पढ़ने से अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की को टैकल करने का स्किल डेवलप करना। इसको टैकल करने का आप स्किल डेवलप करिए यार, कि आपसे कोई कुछ भी पूछ ले तो आप उसके बारे में लिख दीजिए, अब समझा दीजिए उसको, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे लाइफ में भी या एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसी कई सारी चीजें आएंगी, अनएक्सपेक्टेड ही चीजें आएंगी। इनफैक्ट कोविड तो पूरा ही अनएक्सपेक्टेड था सब एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। अब इसका कोई प्रिपरेशन थोड़ी होता है, लेकिन आपको उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को टैकल करना है, और उसी का टेस्ट यूपीएससी ले रहा है आपसे, कि अगर हमने कोई ऐसी चीज दी जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, और उस प्रेशर में आप उस चीज को टैकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जो नहीं आता नहीं आता यार, 50% के लगभग तो टॉप हो जाता है ना इस एग्जाम में, इतनी तो नंबर चाहिए।
इतने तो नंबर लेके आना है, तो फिर सब कुछ क्यों पढ़ना है? और डाउट्स प्रीलिम्स को लेके? अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, मैं साथ में लगाता था, बिकॉज मैंने बताया ना, जैसे पहली बार में अप्रैल 2019 तक तो कोचिंग ही चल रही थी और जून में एग्ज़ाम थी 2 तारीख को, तो मैंने जनवरी से शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़, हमेशा टेस्ट को लेके एक इनर्शिया होता है लोगों के मन में, और हम लोग हमेशा ना बहाने ढूंढते रहते हैं टेस्ट ना लगाने के, कल लगा देंगे, परसों लगा देंगे। ठीक है, जन्माष्टमी के बाद शुरू करेंगे। तो ये इनर्शिया ख़त्म होता है। जैसे क्या हुआ उस समय ना, मेरी मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उस समय वो कोटा में रेजोनेंस में पढ़ा रहा था आईटीजेई के लिए, तो उस समय उसकी भी ट्रेनिंग हो रही थी, तो उससे रोज़ टेस्ट 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 उसे लिए जा रहे थे। तो फिर एक पॉइंट के बाद ना उसने बोला कि भाई, मेरे मन में टेस्ट का जो फियर है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि रोज़ ही मैं टेस्ट दे रहा हूँ। तो दैट स्टक विद मी कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन आपको डर लगेगा टेस्ट से, ठीक है, और हो सकता है कम नंबर भी आए, तो कम नंबर से ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। लेकिन एक बार आपके मन में जब वो डर ख़त्म हो जाएगा ना टेस्ट का, तो वो यूपीएससी में भी डर नहीं लगेगा आपको। और वो डर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप डर नहीं ख़त्म करेंगे तो आप वहाँ पे सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, जब पानी जब स्थिर होता है तभी आप गहराई में देख पाते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, नॉलेज तो हो ही गई ना, जब आपने आप 6 महीने 7 महीने से पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है पेपर को लगाने की। और कितनी सारी चीज़ें आप पेपर से सीखते हैं, तो जो रिवर्स लर्निंग का प्रोसेस होता है, आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। बिकॉज ऐसे अगर मैं आपको कोई किताब दूँ और मैं आपसे बोलूँ उसको याद करिए, तो आप हो सकता है 3 पॉइंट याद करें, 3 पॉइंट भूल जाए। लेकिन जो मिस्टेक आप टेस्ट में करेंगे, और ये आप सबके साथ होता होगा, वो मिस्टेक आपको हमेशा याद रहती होगी। तो इट इज़ गुड टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने आप जो है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को टैकल करना सीखेंगे, और फिर जो क्वेश्चंस गलत होंगे आप फिर वो कभी आपसे गलत नहीं होंगे, बिकॉज एक बार आपसे गलती होगी आपको वो हमेशा याद रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो टेस्ट के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे, तो उनको अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो डोंट वेट फॉर द राइट डे एंड द राइट मोमेंट एंड द राइट मुहूर्त टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट, स्टार्ट टेकिंग टेस्ट। जब आपको ठीक लगे आप दे दो। देखो क्या होता था ना, कि जब मेरा पहली बार प्री निकला, तो प्री तक की स्ट्रैटेजी थी सारी, फिर निकल गया, फिर मेंस के लिए मैंने सोचा अब क्या करें यार, अब इसके लिए तो कुछ सोचा ही नहीं था मेंस के लिए। तो फिर मैंने कहा यार, जो चीज़ प्री में की है वही चीज़ मेंस में भी करेंगे, टेस्ट। फिर मैंने, आप अगर विजन का फाउंडेशन लगाए होंगे तो उसमें कुछ 30 टेस्ट आपको जीएस के मिलते हैं, 5 टेस्ट आपको एसए के मिलते हैं, और मेरे ऑप्शनल के 8 टेस्ट शुभरंजन में थे। कितना हो गया? 43। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में 43 टेस्ट लगाए थे मेंस के लिए। और इससे क्या हुआ, अब जब मैं पहले टेस्ट देने गया था तो मेरा 80 मार्क्स का पेपर छूट गया था, क्योंकि पता ही नहीं है कि कैसे जो है पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा कि पेन बदलते हैं पहले, तो रो एक अच्छी पेन है पायलट की, V7RT, आप लोग जानते हैं इस पेन के बारे में? बहुत अच्छी पेन है यार, 3 बार मेरा मेंस निकाला है इस पेन ने। तो फिर उसके बाद पेन चेंज किया, फिर उसके बाद मेरे जब विजन में भी मैंने पहले टेस्ट दिए, और मैं ऐसे ही बस चला गया टेस्ट देने के लिए। मैंने ये सोचा कि यार, एक साल से झक थोड़ी मार रहे हैं बैठ के, पढ़ाई की 1 साल, देते हैं टेस्ट, देखते हैं कितने नंबर आएंगे। तो 67 आए, एक पॉलिटी का टेस्ट लगाया, फिर थोड़े और टेस्ट लगाए, 70s में गए 80s में गए। ठीक है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरा टेस्ट लगाने का,
कि जो भी 2-3 महीने का समय था बीच में, 2.5 महीने का समय था प्री और मेंस के बीच में, तो इतने टेस्ट लगाने के बाद मैं क्या करता था, जैसे गए टेस्ट दे दिया, अब नंबर जो भी आया उसमें, उसके बाद फिर अब आप जो है टॉपर्स की टेस्ट कॉपी देखेंगे कि उसने ऐसा क्या लिखा और आपने ऐसा क्या नहीं लिखा कि उसके नंबर है और आपके नंबर नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो टॉपिक्स आपने नहीं कवर किए हैं वो टॉपिक उस टेस्ट के सॉल्यूशन से कवर हो जाएंगे। तीसरी चीज़, पेपर को कैसे कंप्लीट किया जाए वो आप सीख जाएंगे। चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो आप सीख जाएंगे, कि अगर कुछ भी नहीं आता, हाउ टू प्रोड्यूस कंटेंट फ्रॉम थिन एयर, ये वाला स्किल आप सीख जाएंगे पेपर लगा के। तो ये फायदा होता है यार, और फिर मेरा निकल भी गया यार, फिर मेरे कुछ 778 नंबर थे, निकल भी गया था मेरा मेंस। तो इसलिए डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, शुरू कर दीजिए जब टेस्ट लगाना हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। आप में से मेंस लिख रहा है कोई इस बार? एनीवन? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यस, और क्वेश्चंस प्री को लेके? सर जैसे कि सर आपने जैसे बताया कि आप एक दिन में 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, तो फिर उनको समराइज़ कैसे करते थे, कि मतलब ये कैसे पता रहता था कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, या फिर किसके कोई नोट्स बनाते थे, या फिर डेली बेसिस पे, या फिर उनको लेके कोई आंसर राइटिंग करते थे उन्हीं टॉपिक्स पे, वो कैसे समराइज़ करते थे आप? यार देखो, आई यूज़ एवरनोट। एवरनोट से याद आया कि यू नो आई हैव अ ब्लॉग, मतलब मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो कोई फेक चैनल पे जाके सब्सक्राइब मत कर लेना। तो एक ब्लॉग है मेरा, क्या यार ब्लॉग, ये उत्कर्ष जे द्विवेदी .blogspot.com। तो इस पे आपको दो लिंक मिल जाएगी, पहली लिंक होगी जीएस की, दूसरी लिंक होगी मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर की, ठीक है। तो इसमें मैंने जो ब्लॉग लिखा है, आई हैव ट्राइड टू राइट इट एज कॉम्प्रिहेंसिवली एज पॉसिबल। उसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो मैंने जो 3 अटेम्प्ट दिए हैं उससे मेरी क्या क्या लर्निंग्स रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने नोट बनाया था आंसर राइटिंग को लेकर। फिर दूसरा है कि क्या अप्रोच मैंने फॉलो की। तीसरा है मेरे अपने सारे जो जीएस के नोट्स हैं उनके एवर नोट की लिंक है। और चौथा मेरी टेस्ट कॉपीज है, एंड सेम पीएसआईआर के लिए भी है। तो इससे कई सारी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या करना है, तो मैं क्या करता था कि जो भी पढ़ा मैं, जैसे ई पेपर पढ़ता था, ठीक है, उसके बाद जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला, मान लो एंटी डिफेक्शन हो गया कहीं पे किसी स्टेट में, अब एंटी डिफेक्शन को लेके मेरे पास प्रीलिम्स में भी नोट्स हैं और मेंस में भी हैं, और मेंस में GS2 के लिए भी हैं और मेरे ऑप्शनल के लिए भी हैं। तो जो नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी है, तो ये चीज़ जैसे लोग पूछते भी हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में कैसे इंटीग्रेट करें, क्या करें, तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट। अब उसका क्या मतलब होता है कि जैसे अब एंटी डिफेक्शन है, ये हर जगह आने का इसका चांस है, तो इसको आप तीनों चीज़ के लिए पढ़ेंगे, लेकिन इसके नोट्स आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अब जब आपको प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाना है, तो आप इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अगर जो भी है या अमेंडमेंट जो भी है इसको देखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, GS2 में ये सब तो ऐड रहेगा ही, इसके साथ क्या ऐड ऑन होगा, कुछ कमिटीज़ और कमीशंस के नाम जिन्होंने एंटी डिफेक्शन को लेकर कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। ऑप्शनल में ये सारा आ जाएगा, प्लस कुछ स्कॉलर्स के नाम जिन्होंने एंटी डिफेक्शन पे कुछ बोला हो, या कुछ किताबें, कुछ बुक्स का नाम इफ एप्लीकेबल। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब मैं बोलता हूं इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट का क्या मतलब है,
क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो स्टेज है वो तीनों स्टेज का जो डिमांड है यार वो अलग अलग है. प्रीलिम्स का अप्रोच मेंस में काम नहीं करेगा, मेंस का अप्रोच इंटरव्यू में काम नहीं करेगा. इसलिए आपका जो प्रिपरेशन भी होना चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप क्या पेन एंड पेपर नोट्स बनाती हैं कि डिजिटल नोट्स बनाती हैं? सर अभी मैं नोट्स नहीं बना रही, जस्ट न्यूज़पेपर ही रीड कर रही हूँ. तो शुरू करिए. यस सर. नोट्स बनाना, ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाइए. यूपीएससी के आप देखिए कि कोई टॉपिक है तो वेयर डज इट फिट इन दिस सिलेबस, उसके हिसाब से आप नोट्स बनाइए. बहुत बल्की नोट्स मत बनाइए. और कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट मेकिंग में, कोई अच्छा एडिटोरियल है तो एडिटोरियल की फ़ोटो खींच के मत डाल देना. ये मैंने बहुत किया है और एंड टाइम पे पढ़ने का मौका नहीं मिलता और टाइम भी नहीं मिलता, ये कभी मत करना. हाँ, एडिटोरियल में अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल गई हैं आपको तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना और अपने उसमें नोट में डाल देना. लेकिन कभी ये मत करना बहुत अच्छा एडिटोरियल आया उसको पूरा फोटो खींच के रख लेता हूँ बाद में पढ़ूंगा, ये स्कैम है. यस फर्दर क्वेश्चन? सर आप प्रीलिम्स का जब टेस्ट देते थे उसको फिर बाद में एनालाइज कैसे करते थे? तभी आप ग्रो करेंगे ना. ठीक है, गुड. अब प्रीलिम्स को एनालाइज कैसे करना है? देखो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तुमको आता है एक तुमको नहीं आता है. तो जो तुमको आता है, जो तुमने सही भी किया है, उसका सोल्यूशन ज़रूर पढ़ना यार, क्योंकि उस सोल्यूशन में तुम्हें ऐसी दो चार चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो नहीं आता है उसका क्या करें? तो जैसे मान लो चार ऑप्शन होते हैं कि ए बी सी डी चार ऑप्शन है, ठीक है, आपने ए लगा दिया आंसर निकला बी. अब आप देखिए कि बी सही क्यों है, ए में उस सेंटेंस में ऐसा क्या मिस्टेक है या उसमें क्या फैक्ट गलत है सी में और डी में जो इनको गलत बनाता है, जो इन ऑप्शंस को गलत बनाता है, इस पे फोकस करिए. और एक और चीज़ ये करिएगा कि जैसे कुछ ऑप्शंस आपको होंगे जो जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को लेके भी गूगल पे सर्च करिएगा कि ये ऑप्शंस क्या हैं, किसके बारे में है. मान लो कोई बर्ड की स्पीशीज चार ऑप्शन दिए हैं, अब आपको एक ऑप्शन पता है आपने मार दिया बी सही है, तो मूव ऑन मत करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए ए कौन सी स्पीशीज है, बी कौन सी, सी कौन सी है और डी कौन सी है, हो सकता है इनमें से कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. और यहाँ के कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर मैं पूछना चाहता हूँ. हाँ कहाँ भाई? सर टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करें? सर बहुत ज़्यादा समय लगता है सर न्यूज़पेपर पढ़ने में या फिर नोट्स बनाने में, मतलब किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है ये पूछना चाहते हैं. देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे मेंस में अगर हम देखें तो 60-40 का रेशियो होना चाहिए, ये ऑप्शनल के लिए होना चाहिए, ये जीएस के लिए होना चाहिए. और जीएस में भी जो है एसे और एथिक्स पे फोकस रखिएगा बिकॉज यहाँ नंबर अच्छे आ जाते हैं. लेकिन जीएस एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू इग्नोर जीएस 1, 2 एंड 3, ठीक है. अब इसमें आप टाइम डिवाइड करिए आपस में कि ऐसे में आप कितना समय देना चाहते हैं, या वो अब वो पर्सनलाइज्ड है, किसी का ऐसे अच्छा होता है, मेरा नहीं है तो आपको ऐसे में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. किसी का GS2 अच्छा होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है GS2 में, तो जिसको प्रॉब्लम होगी वो ज़्यादा समय देगा GS2 को लेके. एथिक्स में तो अच्छा खासा समय सबको देना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे नंबर आ जाते हैं थोड़े, ठीक है. तो मेंस के लिए ऐसे डिवाइड करिए और टाइम मैनेजमेंट ऐसा करिए जैसे प्रीलिम्स और मेंस है, पूरे साइकिल का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? प्रीलिम्स है मेंस है तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोग अटेम्प्ट देंगे 2023, अभी तो आप क्लासेस करिए, जो भी आपकी क्लासेस है नोट्स बनाइए. नोट्स के हो सके तो जैसे जब आप घर जाते हैं और सिर्फ रिवाइज मत करिए नोट्स को, हो सके तो नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बिकॉज बाद में वो काम आता है यार, ठीक है. बाद में जैसे आपके जब रजिस्टर भर जाते हैं खूब सारे तो वो उन रजिस्टर्स को पढ़ने का टाइम नहीं होता प्री और मेंस के बीच में, तो अगर आपके पास अभी से शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप प्री और मेंस के बीच में सीधे रिवाइज करके टेस्ट लगा देंगे, ठीक है. और फिर उसके बाद अभी आपने क्लास की, अब जनवरी या फरवरी तक क्लास खत्म हुई चाहे नहीं हुई आपका टेस्ट लगाना शुरू हो जाना चाहिए. और यहीं पे आई विल स्लाइडली डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप लोग के साथ जैसे
सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छा जो पीयर ग्रुप होता है ना, उसका बहुत वैल्यू होता है इस एग्ज़ाम में। तो मेरे साथ क्या था कि मैं भी थोड़ा आलसी टाइप का था, हूँ भी, तो मेरे दो दोस्त थे, अभी भी हैं यार, ऐसा नहीं कि दोस्ती टूट गई है, तो वो लोग ना बड़े सीरियस रहते थे। और फिर उनका ये था कि आज हम लोग ये टेस्ट लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर कल हम लोग ये टेस्ट लगाएंगे, परसों ये टेस्ट लगाएंगे। तो वो मुझे कॉल कर देते थे कि उत्कर्ष हम लोग आ रहे हैं टेस्ट लगाने के लिए, यहाँ जो टेस्ट सेंटर है ORN में, तो तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। तो फिर अब भाई टेस्ट लोग, अब आप जानते हैं आपके दोस्त टेस्ट लगा रहे हैं, आप नहीं लगा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फिर मैं बस चला जाता था टेस्ट देने के लिए कि जो भी हो टेस्ट तो देना ही देना है। तो ऐसे जब लोग आपके साथ होते हैं जो आपको पुश कर रहे हैं टू गेट बेटर डे बाय डे, तब आप बेटर होते हैं। तो इसलिए एक अच्छा पीयर ग्रुप जरूर बनाइएगा यार, आप यहाँ पे हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो पढ़ने लिखने वाले दोस्त बनाइए। और ऐसा नहीं है बीच में मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं, टेक ब्रेक्स। बिकॉज जैसे मुझसे भी कोई पूछ भी रहा था कि कितना पढ़ें एक दिन में, तो मैंने कहा यार एटलीस्ट मतलब 8 से 10 घंटे तो पढ़िए ही, कोशिश करिए 10 घंटे पढ़िए। अब देखो 2016 में शायद इला त्रिपाठी मैम थी, तो उनकी शायद 50s में 51 रैंक आई थी, तो उन्होंने एक मंत्रा दिया था 10 for 1। इसका मतलब ये था कि अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ रहे हैं एक साल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप इस एग्जाम को निकाल देंगे, एंड शी वॉज राइट। तो मैं नहीं निकाल पाया वो बात ठीक है, लेकिन मैं इंटरव्यू तक तो पहुंचा ना यार। तो आप ना अपने स्टडी आवर्स को, जैसे मेरे जो एवरनोट्स होते हैं, तो उसमें एक एवरनोट एक बुक है, उसका टाइटल है ऑर्गेनाइजिंग लाइफ, और इसमें सब कुछ मिसलेनियस स्टफ रहता है। तो उसमें एक था स्टडी आवर्स, और मतलब यू नो फ्रॉम डे वन आई हैव बीन ट्रैकिंग कि मैं कितना घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ एक दिन में, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि डज नॉट मैटर हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन, बट फॉर मी इट मैटर्स, क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है, इतने घंटे पढ़ोगे नहीं तो कवर कैसे करोगे सिलेबस को, तो उतना समय तो देना ही पड़ेगा ना। और प्लस आप जिस नौकरी में जा रहे हैं वहां पे 10 घंटे 12 घंटे बहुत इजीली काम कर जाना पड़ता है, डिमांडिंग सिचुएशन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप इस चीज को फॉलो करिए, और आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे अपने आप में, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की जो बात हो रही थी, तो फिर जनवरी फरवरी तक आपका, आपने शुरू कर दिया टेस्ट लगाना, एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाया, आप लोग साथ में रोज टेस्ट दीजिए, देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपकी रैंक कितनी आ रही है, इसको देखिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। फिर प्री हो गया आपका जून में या मई में, उसके बाद आपके पास 2.5 महीने हैं इसके लिए, मेंस के लिए, तब आप जो है वो 60-40 वाला रेशियो करेंगे। अब जैसे अभी मेंस का टाइम चल रहा है, तो अब आपका सारा काम एटलीस्ट अगस्त एंड तक हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सितंबर, तो इसमें जो आपके पास 15 दिन होते हैं, इस बार 15 सितंबर से है मेंस, तो उसमें आपका बस एक ही काम होना चाहिए, और वो होना चाहिए रिविजन। अब देखो रिवीजन को लेके भी कई सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, एक रिवीजन को लेके डाउट होता है और एक NCERT को लेके डाउट होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ लो, अरे हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा ना पढ़ लोगे तो। तो 6 से 12 तक की एक बार पढ़ लो यार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और पॉलिटी, एक बार पढ़ के इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके बाद ही हमेशा के लिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा NCERT पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और इट हेल्प्स ऑल्सो यार, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और प्लस प्रीलिम्स में काफी हेल्प हो जाती है इसको पढ़ के। कई बार यार पता लगता है कि 6th या 7th क्लास की हिस्ट्री की किताब से UPSC में क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है. नाउ इट माइट लुक वेरी किडिश बट ऐसा नहीं है यार, यूपीएससी कुछ सोच के वो पूछ रही है आपसे. तो अब जो ये जो मैं रिविजन की बात कर रहा था, अब रिविजन का एक डाउट ये रहता है कि रोज रिवाइज करें कि एक हफ्ते में एक बार करें कि एक महीने में एक बार करें. अब दैट विल डिफर, वो एक पर्सनलाइज चीज़ है. लेकिन मेरा ऐसा होता था कि मैं एंड में रिविजन करता था, एंड में जो 30 डेज समझ लो बच गए 20 से 30 दिन, क्योंकि ये अप्रोच इंजीनियरिंग कॉलेज का होता है. लास्ट में सब कुछ पढ़ लो, इससे फ़ायदा भी होता है यार. तो जैसे लास्ट में आपने 20 से 30 दिन है, इसमें आपका कम से कम 3 रिवीजन तो हो जाएगा. तो एग्ज़ाम से जब पहले आपने जस्ट पहले चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज किया हुआ है, तो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के टाइम पे वो चीज़ आपको याद रहेगी. बहुत पहले से पढ़ लेंगे तो आपको उसको बार 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 पढ़ना पड़ेगा, और इतना टाइम नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, और भी तो चीज़ें पढ़नी है ना हम लोगों को. तो मेरा तो यही अप्रोच था कि जब एग्ज़ाम पास में आएगी तब मैं पढ़ूंगा, उसके पहले एक महीने पहले तक सब निपटा दो, जो भी टेस्ट है जो भी है जो भी नोट मेकिंग है सब पहले निपटा दो, ताकि खाली रिवीजन रह जाए. या हद से हद कुछ टेस्ट अगर लास्ट टाइम के लिए आपको लगाने हैं ताकि आप उस एग्जामिनेशन मोड में आ जाएं, तो आप ये काम कर सकते हैं. तो फिर क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज़ ये है कि आप एक साइकिल को सिमुलेट करिए. अब ये प्रिलिम्स में भी आप करिए और मेंस में भी करिए. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? प्रिलिम्स में आपको एक दिन में 2 पेपर लगाने हैं, ठीक है, 2 घंटे का 3 घंटे का गैप मिलता है. तो आप जब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी आप वैसे ही करिए इस चीज़ को. और मेंस तो यार बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, ठीक है, बहुत उसमें आपका फिजिकल मेंटल सारा करेज टेस्ट हो जाता है. तो मेंस के लिए एक बार अगर आपने साइकिल को सिमुलेट कर दिया, और आई थिंक ये कोचिंग्स करवाती भी हैं यहाँ पे जब टेस्ट होता है तो वो करवाती भी हैं. एक दिन आपसे ऐसे लेंगी, अगले दिन आपसे GS लेंगी 1-2, फिर उसका GS 3-4, फिर ऑप्शनल का. तो ये एक बार आप कर लेंगे तो आप एक तरीके से रेडी हो जाएंगे मेंस को एक्चुअली फेस करने के लिए. अब जो दूसरा एस्पेक्ट होता है टाइम मैनेजमेंट का, वो होता है कि डेली टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. तो देखो, इतना घंटे तो मतलब चाहिए ही नींद, ठीक है, क्योंकि सारा काम दिमाग से होना है. अगर आप अपने दिमाग को सही से रेस्ट नहीं देंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे. अब नाउ दिस कैन वेरी, प्लस माइनस जो भी, दिस में वेरी, बट एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्लीप जरूरी है. क्योंकि आप एक दिन कम सोएंगे, 2 दिन कम सोएंगे, 3 दिन कम सोएंगे, फिर 4th दिन पैरासीटामोल खाएंगे. तो ये जरूर करिए. उसके बाद क्या कहा मैंने, 10 आवर्स ऑफ स्टडी. अच्छा देखिए, ये ना मैं मिनिमम आपसे बता रहा हूँ, अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए यार, देर इज़ नो हार्म इन दैट. इनफैक्ट लास्ट में जब एग्ज़ाम पास आती थी तो 15-16 खींचना पड़ता था मुझे 2-4 दिन के लिए, जब एकदम पास में एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है. उसके बाद अब कितना हो गया, 6 घंटे बचे, 2 घंटे एसेंशियल्स, तब भी आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं. अब इसमें अगर आपका मन करे आप हॉबी फॉलो करिए अपना, अगर है तो, नहीं तो सिंधी पार्क चले गए शाम को चाय पी ली. ये ज़रूरी है. देखिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप ऐसे बैलेंस नहीं रखेंगे अपने प्रिपरेशन को, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे. आप मान के चलिए इस बात को, आपने 2-3 दिन तो आप बहुत स्लॉक कर सकते हैं. इसलिए देखिए, जो मैं आपको बता भी रहा हूँ ना कि जो मैं स्लॉक करता था वो मैं बस एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले करता था, ताकि एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं. ये डेली स्लॉग नहीं हो सकता है, डेली सिर्फ इतना ही स्लॉग हो सकता है, ठीक है. तो ऐसे आप टाइम मैनेज अपना करिए पर डे. और अभी प्रीलिम्स ही चल रहा है तो प्रीलिम्स को पूरा निपटा देता है. सर मेरा क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ही, उसके जो फैक्टर्स हैं सर, टाइम मैनेजमेंट तो आपने बता दिया ओके, बट उसके जो पीछे जो माइंड मैनेजमेंट सर और लाइफ मैनेजमेंट है सर, जो अफेक्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिव सर. जस्ट लाइक आपने 3 बार अटेम्प्ट दिए इंटरव्यू तक गए, उसके बाद सर जो फैमिली प्रेशर माइंड प्रेशर जो आपके ऊपर पड़ रहा था, और उसको टैकल करते हुए सर हम कैसे उसको अचीव करें अपने सक्सेस को सर, आफ्टर हैविंग ऑल दिस प्रॉब्लम इन आवर लाइफ सर, वो कैसे कर सकते थे सर? ऑप्शनल फिलोसफी तुम्हारा? यस सर, सब्जेक्ट भी सर, हंसराज फिलोसफी स्टूडेंट सर फ्रॉम हर फर्स्ट ईयर सर. समझ गया मैं. यस सर, यस सर, सो सर. तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट,
भाई देखो, मतलब मैं 26 साल का ही हूँ अभी, लाइफ मैनेजमेंट मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। मेरी खुद की लाइफ में बहुत दिक्कत होती है, और बिकॉज देखिए इससे एक और चीज़ निकल के आती है, क्या कि IAS इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि IAS बन गए तो जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म, अब ऐसा नहीं होता है। तो ये भी आप मत सोचिएगा कि आज मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो IAS बन जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो बन गया हूँ, मैं बताता ही नहीं हूँ। जैसे अगर कहीं गए, एक जगह मैं उज्जैन गया था, वहाँ पे अब एक जगह प्रोटोकॉल लगा हुआ है, गाड़ी नहीं घुस सकती। तो अब मैं वहाँ ये नहीं बोलूँगा कि मैं IAS हूँ मेरी गाड़ी घुसा दो। यार इस इंस्टीट्यूशन की ना एक गरिमा होती है, कोई मना कर देगा तो आपकी तो कोई रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट है, वो नहीं जानी चाहिए आपकी वजह से। तो लाइफ मैनेजमेंट, यार बहुत कठिन सवाल पूछा यार तुमने। अनएक्सपेक्टेड है, चलो तब टैकल करते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब तक नहीं होता है सिलेक्शन तब तक ऐसा लगता है कि यार बस जिनका सिलेक्शन हो जाता होगा वो मतलब बहुत खुश रहते होंगे, एकदम लाइम लाइट में रहते हैं और मतलब एकदम लाइफ चकाचौंध हो जाती है, एकदम ठीक है स्टारडस्ट वाली चीज़ें हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आप जब इस एग्ज़ाम को क्लियर करते, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि 5th रैंक आ गई, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बहुत नॉर्मल लगता है। लेकिन एक फीलिंग होती है, उसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी चीज इसके लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं कोई भी चीज, क्योंकि चलिए आपका हो गया 4 दिन खुश हो जाएंगे, नहीं हुआ 4 दिन दुखी हो जाएंगे। वो जो हैप्पीनेस और ग्रीफ वाली जो फीलिंग्स होती हैं, दे आर वेरी ट्रांजिएंट फीलिंग्स, वो कुछ टाइम तक रहती हैं फिर चली जाती हैं। लेकिन ये वाली चीज परमानेंट होती है, सेटिस्फैक्शन ना परमानेंट होता है। अब मेरे जीवन में तो सेटिस्फैक्शन है कि यार कुछ सोचा जीवन में तो करके दिखाया, और ये आपके भी मन में वो सेटिस्फैक्शन होगा सिर्फ जब आप इस एग्जाम को निकालेंगे ना। जैसे कुछ लोग हैं जिनकी मान लो 200-250 रैंक आई, तो वो बोल रहे हैं कि यार आपकी तो 5th रैंक आ गई है। तो मैंने कहा यार अगर तुम लोग अभी खुश नहीं हो ना तो 5th रैंक लाके भी खुश नहीं होगा। जिस एग्जाम में 5-6 लाख लोग प्री दे रहे हैं, 9,000 लोग मेंस दे रहे हैं, 1,800 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आप 685 में हो, इज दिस अ स्मॉल अचीवमेंट? तब भी आप खुश नहीं हो फिर? तो आपको क्या लगता है टॉप 5 में आ गए, टॉप 10 में आ गए तब खुश हो जाएंगे? देखो हैप्पीनेस इज नॉट एन इमोशन, इट इज अ डिसीजन। अब आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है तो अच्छा अच्छा, ऑप्शनल सोशियोलॉजी फिलॉसफी पढ़ रहे हो? यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। यस सर। तो आप कोई भी चीज करें, आप इस एग्जाम में क्यों हैं यार, एक बार मतलब पूछिए। आप इतना सारा समय, इतनी एनर्जी, सब कुछ क्यों इसमें आप लगा रहे हैं? इतने घर से दूर रह के यहाँ पे ORN में कितनी सारी परेशानियां हैं यार, बहुत सारे इश्यूज है ORN में, फिर भी आप रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आपको जब आप इस एग्जाम को निकाल देंगे तो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी कि हाँ जो हमने सोचा वो हमने किया। तो ये एक छोटा सा पार्ट है लाइफ मैनेजमेंट का, ठीक है। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट को लेकर तो मैंने बताई ही चीज़ें आपको। देखिए कुछ लोगों का होता है कि शेड्यूल बना लिया दिन में, ठीक है, इतने से इतने घंटे ये करेंगे, इतने से इतने घंटे ये करेंगे, वो भी कर सकते हैं। आई थिंक वो अच्छा भी होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जो है दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो ऐसे होता है फिर ऐसे। लेकिन एक और चीज होती है, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। ये आपको सस्टेन करके रखती है।
और कुछ टाइम बाद तो अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है कि हाँ इतने बजे मैं उठूंगा, इतने बजे इतना पढ़ूंगा, आज ये टारगेट है मेरा, इसको निपटाऊंगा, तो आई थिंक वो एक बेटर अप्रोच है. और उसको सस्टेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको 3 साल 4 साल लगातार इसको सस्टेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मुझसे कल ही लोग पूछ रहे थे कि यार मतलब तुमने 3 अटेम्प्ट में 3 इंटरव्यू दिए हैं, फिर से इंटरव्यू के बाद कैसे प्री के लिए करते थे, तो क्या करें? और कोई ऑप्शन है क्या? और कोई ऑप्शन है? पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई इस एग्जाम में. तो आप बस अपना जो भगवत गीता की फिलॉसफी नहीं है, बस वही लाइफ का और एग्जाम का वही पूरा समरी है कि आप बस अपना कर्म करिए यार. ठीक है, आप कर्म करिए, उसके बाद आप जो है आपकी क्या रैंक आएगी वो बाद की बात है. आप अपना कर्म करिए, आप अच्छे से पढ़िए. एंड आई थिंक आप जब मेहनत करते हैं तो वो हार्डवर्क विल नॉट गो इन वेन. ये पर्सनल गारंटी है मेरी आपको. आप अगर जीवन में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे इस लाइफ में. मेरा नहीं भी हो रहा था 2 बार से, बट स्टिल आई लैंडेड अप अ जॉब इन अ PSU, UPSC के थ्रू ही. जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, एक PSU है, SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम. कोई हिमाचल से है, शिमला से, पता है इसके बारे में? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शनान इन शिमला. कोई बात नहीं. तो इसमें जिन्होंने जो लोग UPSC का इंटरव्यू दिए थे वो लोग इसके लिए एलिजिबल थे. तो आई गॉट अ जॉब हियर, बट अपॉइंटमेंट लेटर और मेरे मामा के एंगेजमेंट क्लैश कर रही थी 10th February. तो ऑब्वियसली एंगेजमेंट में ही जाएंगे. नहीं देखिए, वो तो एक रीजन, वो बात की बात है, बट मेन रीजन ये था कि करना नहीं था ये. एक बार इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना था. तो लेकिन इसका एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ बिकॉज चलिए मैंने तो इसको ज्वाइन नहीं किया, बट आई हैव अ फ्रेंड, उसने ज्वाइन किया. ठीक है, उसने भी 2 बार इंटरव्यू दिया है, बट इस बार उसका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. ही डिजर्व्स, अगली बार निकालेगा वो. ठीक है, तो देखिए उसने मेहनत की तो एटलीस्ट ही लैंडेड अप समवेयर डिसेंटली गुड. ग्रेड ए की जॉब है, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, Grade 1 E1 की जॉब है. तो UPSC नहीं निकलेगा, उसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ आपको मिलेगा जो एक वर्थ इट होगा. आपकी लाइफ एक डिसेंट, एक अच्छी लाइफ आप जिएंगे क्योंकि आपने मेहनत की है. इस चीज को आप लोग समझिए. ठीक है, चलिए फिलोसफी के छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सर मेरा डाउट करंट अफेयर्स को लेके था सर. सर जैसा कि आपने विजन से कोचिंग की है, तो सर जैसे मेरी स्ट्रेटेजी करंट अफेयर्स को लेके ऐसी है कि मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और फिर सर विजन की जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है मंथली, उसकी कुछ कुछ टॉपिक्स डेली कवर कर रहा हूँ. और सर जो MCAR भी होता है इसमें, तो सर MCAR मंथली करंट अफेयर्स रिविजन. अच्छा भाई, मुझे नहीं पता यार सच में. हाँ तो सर उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ. हाँ. तो सर जैसा आपने विजन से कोचिंग किया, तो सर आपकी, सर आपका मतलब क्या सर ये स्ट्रेटेजी सही जाएगी करंट अफेयर्स को लेके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए? हाँ ठीक है, बट यार उसका दिक्कत ये है ना कि बाद में जब वो 12 मैगजीन हो जाती है ना, तो इतनी सारी मैगजीन पढ़ने का ना टाइम मिलता है ना मन करता है एंड में. बस यही दिक्कत है उसके साथ, और इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैं PT और May 365 पे शिफ्ट कर गया. इसमें भी मैं क्या करता था कि मैट पे जो है जो भी इंपॉर्टेंट है उसको बस हाईलाइट कर देता था, और जब एग्जाम पास आता था तो मैं हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ लेता था. तो न्यूज़पेपर्स प्लस PT May 65 प्लस टेस्ट सीरीज काफ़ी है, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स क्या करना है. सर आपने एडिटोरियल्स को लेकर नोट बनाने की बात की थी, तो सर उसको हाईलाइट करके जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर कुछ भी, तो उसको सर जो अंडरलाइन किया हुआ है तो उसके सर क्रॉप करके उसमें चिपकाया नहीं जा सकता जहाँ पे उसको टॉपिक को लिखा गया है? सर FAQ टाइप का वो हो जाएगा ये अप्रोच? ठीक है, होता है, स्क्रीनशॉट ले लो उतना पार्ट
मैं ऑनलाइन नोट में चिपका दो। हाँ सर, तो बस सर यही मेरा डाउट था। ठीक है, और यू वर आस्किंग समथिंग। ये तो एंड में आती है ना, इसका तो नोट्स बनाना नहीं है, इसको तो जो इम्पोर्टेंट है बस हाईलाइट कर लिया आपने। न्यूज़पेपर्स का आप जो है टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाएंगे और उसमें जो भी टॉपिक वो जिस नोट में जिस पेपर में जहाँ पे वो शिफ्ट जहाँ पे वो फिट हो रहा है वहाँ पे आप उसको जाके लिख देंगे या फोटो खींच के आप लगा देंगे और बाद में रिवाइज कर लेंगे उसको। ठीक है, न्यूज़पेपर्स प्लस मैगजीन मंथली वाली ठीक है सप्लीमेंट करने के लिए, बट न्यूज़पेपर शुड बी द प्राइमरी सोर्स, इट कैन नॉट बी योर सप्लीमेंट्री सोर्स। द मैगजीन्स और एनी अदर सोर्स ऑल्टरनेटिव सोर्स कैन बी अ सप्लीमेंट्री सोर्स, बट रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज नॉट नेगोशिएबल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मतलब डू नॉट इग्नोर न्यूज़पेपर्स, डू नॉट। यस, और क्वेश्चंस प्रीलिम्स को लेकर? यस सर। हेलो हेलो सर, इधर सर। हाँ, मेड मेडिवल के लिए, मेडिवल के लिए बस न्यू एनसीईआरटी बस। यार देखो, रिटेन करने का ना दो चीज होता है, ठीक है, आप तब रिटेन नहीं कर पाते हैं जब आपका ब्रेन सैचुरेट कर गया है, तो इसके लिए यू शुड टेक ब्रेक्स, ठीक है। और दूसरा चीज ये है रिविजन्स। अब यही मैंने कहा, ये थोड़ा सा ना पर्सनलाइज हो जाता है यार, अगर आपको रिटेंशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक वीकली रिविजन कर सकते हैं। मान लीजिए 6 दिन आपने पढ़ाई की और 1 दिन उसका जो जो पढ़ाई की उसका रिविजन कर लिया। मेरा तो एंड वाला अप्रोच था, एंड के महीने में पढ़ने वाला। यस, हाँ कोई पूछ रहा था यार वहाँ पे। सर सर, जो 10 घंटा पढ़ना है कोचिंग को हटा के कि मिला के, मतलब उसमें कोचिंग का टाइमिंग ऐड रखेंगे या? हाँ कर लो कर लो सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन डेज में सर बैकअप प्लान माइंड में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आगे और है, कंप्लीट करना क्वेश्चन। हाँ कंप्लीट हो गया। हो गया, देखो बैकअप का अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने अपना बताया, ठीक है, देखो मेरा तो कोई बैकअप नहीं था यार, और उसका दो रीज़न था। पहला रीज़न था कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि फाइनेंशियली ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो इवन इफ़ आई लेफ्ट अ जॉब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सबका सिचुएशन एक समान नहीं होता, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट तीन अटैम्प्ट के बाद थोड़ा दिक्कत आ रहा है या फाइनेंशियली स्ट्रेनिंग हो रहा है, तब आप कुछ देख सकते हैं, कुछ बैकअप आप तब देख सकते हैं। 3 अटैम्प्ट मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप 3rd अटैम्प्ट के बाद देखना चाहिए, 3 सीरियस अटैम्प्ट इस एग्जाम को जरूर देने चाहिए। और इस बार मैं कई लोगों से मिला जिनका सिलेक्शन हुआ और कई सारे लोग 3rd अटैम्प्टर्स हैं, कई सारे 3rd अटैम्प्टर्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। बिकॉज हो ये रहा है कि यार इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं और इतनी कम सीट्स हैं, तो कई बार अच्छे कैंडिडेट्स का भी नहीं हो पाता है, कई बार लक फैक्टर्स होते हैं, कई बार एक्सटर्नलिटीज होती हैं जो कोविड और इन सब चीज़ों की वजह से आ जाती हैं। तो 3 सीरियस अटैम्प्ट सबको देने चाहिए, सबको देने चाहिए, उसके बाद आप बैकअप के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए, जैसे वो जो मैंने आपसे बात की PSU की, तो आई डिड नॉट ज्वाइन बट माई फ्रेंड ज्वाइन। इन हाइंडसाइट वी बोथ टुक द बेस्ट डिसीजन फॉर आवर सेल्स, क्योंकि जैसे उसका इस बार नहीं हुआ तो उसके मन में कहीं ना कहीं अब एक ये था कि यार चलो कोई बात नहीं हुआ तब भी एक आई हैव अ डिसेंट जॉब, मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ और मैं फिर से दे दूंगा और मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कुछ भी बर्डन नहीं डाल रहा हूँ किसी भी तरीके का।
अगर नहीं होती तो शायद ज़्यादा जो है मेंटल प्रेशर आ जाता। और उसने फिर कहा भी क्योंकि देखो क्योंकि जॉब है तो दिन भर आपको काम करना है तो आपके पास वो सब चीज़ें सोचने का समय भी नहीं है, तो बैकअप का ये फ़ायदा होता है। देखिए मेरा बैकअप नहीं था तो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी बैकअप मत रखिए, लेकिन इन दी बैक ऑफ द माइंड अगर आपको कभी लग रहा है कि एक बैकअप होना चाहिए, समथिंग टू फॉल बैक अप ऑन, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर अ बैकअप, बट ओनली आफ्टर 3 सीरियस अटेम्प्ट्स। इतना तो डिजर्व करता है ये एग्जाम यार, और इतना आप डिजर्व करते हैं, मोर देन दैट। ठीक है, मुझसे कोई एक पूछ भी रहा था एक इंटरव्यू में, आपको लगता है सिविल सर्विस का चार्म कम हो गया है? मैंने कहा आपने स्टैटिस्टिक्स देखा है किस हिसाब से नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं इस एग्जाम में? आई थिंक उस हिसाब से तो नहीं कम हो रहा है इस एग्जाम का चार्म। तो इसकी वजह से इतने ज्यादा लोग और इतनी कम सीट्स की वजह से हो जाता है यार। और प्लस एक और चीज है कि कोई टॉपर था वही बोल रहा था, शायद अर्पित था 20 रैंक, कि इस एग्जाम में 6 अटेम्प्ट क्यों दिए हुए हैं? IIT जी में 2 ही अटेम्प्ट है, बिकॉज UPSC चाहता है कि आप गलतियां करें और उन गलतियों से सीखें। UPSC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको गलती करने का मौका देता है और फिर से आपको बोलता है ठीक है आपने गलती की, इसको आप सुधारिए और फिर जो है आइए फिर से एग्जाम देने के लिए, बिकॉज आप लाइफ में भी कई बार गलती करके सीखेंगे। तो इसलिए फिर आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, और सो दे दो 2-3 रीडिंग्स दे दो NCERT को, क्योंकि पहली बार में तुम्हें लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउ टू फाइंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट, हाउ टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शाफ। देखिए उसके लिए होता है UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए जब आप वो किताब लगा लेंगे मृणाल वाली 25 साल वाली, तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है UPSC के लिए। तो जब आप उनके बारे में NCERT में पढ़ेंगे तो उनके आप नोट्स बना ही लेंगे। फिर मेंस के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे GS 1 हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4। तो बिफोर यू रीड द NCERTs और बिफोर यू रीड एनीथिंग, इट इज एडवाइजेबल टू कीप द UPSC सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने सामने रखिए और मैच करिए कि किस टॉपिक से UPSC क्या पूछता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, तब आपकी प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में जाएगी, नहीं तो योर ट्रेन इज गोइंग नोवेयर। ठीक है, आप आउटपुट तो आएगा लेकिन आउटकम नहीं आएगा पढ़ने का। यस सर, और क्वेश्चंस? हेलो, एनवायरमेंट साइंस टेक। ठीक है, एनवायरमेंट, देखो एनवायरमेंट के लिए एक तो शंकराचार्य की बुक है और दूसरा भाई PT मेंस 365 न्यूज़पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितना हो गया 5 सोर्स हो गए। अब इतना ही करने में यार बहुत टाइम लग जाता है, बट आई थिंक ये सारे एसेंशियल्स हैं, तो आप इतना भी कर लेंगे तो मतलब यू आर वेरी गुड टू गो। और एनवायरनमेंट में भी जैसे इकोनॉमिक्स है ना यार, वैसे ही एनवायरनमेंट में भी उसके फंडामेंटल्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि बायोम क्या होता है, हाउ इज़ बायोम डिफरेंट फ्रॉम हैबिटेट, ठीक है, या हाउ दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम इकोसिस्टम। तो ये सब आपको एकदम अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, या जो सक्सेशन है डिफरेंट टाइप्स के उनका मतलब क्या होता है, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इकोनॉमिक्स में और एनवायरनमेंट में दोनों में आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, किस वर्ल्ड का क्या मतलब है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा आपने पूछा साइंस एंड टेक, तो साइंस यार कोई बुक नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ बुक, इज देयर अ बुक? नहीं है ना, चलो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। न्यूज़पेपर सबसे ज़रूरी है, और आप साइंस बैकग्राउंड से कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको बहुत इशू नहीं आएगा साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। नॉन साइंस के लिए क्या होता है, जैसे आपको NCERTs भी पढ़नी पड़ती हैं टू गेट योर बेसिक्स राइट,
एनसीईआरटी फॉर बेसिक्स। तो आपका एक बार बेसिक अच्छा है तो उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उसमें जो है साइंस एंड टेक का है, हिंदू में आता है संडे को, है ना, साइंस एंड टेक। बाकी जो आप मेंस 365 वो ये सब पढ़ते हैं उसमें साइंस एंड टेक का अलग सेक्शन होता है, वो कवर कर लिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज मैंने बहुत रिपीटेशन नहीं देखा साइंस एंड टेक में, यूपीएससी में। तो उसके बाद भी जो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक का, यार वो हिलता ही नहीं है, क्या करें फिर, वो टेंशन मत लो उस चीज़ का, ठीक है। जितना आता है उतना करो, इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा तो क्या करें, इससे ज़्यादा क्या करें, ठीक है। और सर मेरा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि प्रीलिम्स में 1.5-2 साल का करंट अफेयर आता है, तो अभी हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है करंट अफेयर पढ़ना, तो प्रीवियस ईयर का कैसे कवर करें, अभी ये जीएस पढ़ना है अभी और मैगजीन्स भी पढ़नी है, तो ये सब एक साथ कैसे करें, कुछ स्ट्रेटजी। छोड़ दो, इतना टेंशन मत लो प्रीवियस ईयर का। देखिए बहुत स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ पाएंगे, और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कितना पढ़ेंगे आप, कोई लिमिट है पढ़ाई की, इज देयर अ लिमिट, नहीं है कोई लिमिट, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है पढ़नी है, वो सब छोड़ दीजिए पुराना वाला, वो आपका पता है कौन कवर करेगा आपके लिए, वो कोचिंग वाले कवर करेंगे, वो लोग पुराना वाला पढ़ेंगे और आपको टेस्ट सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी है ताकि आपका अपना लोड कम हो। जब आप टेस्ट लगाएंगे, जैसे आपने एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, ठीक है, अब उसका पुराना वाला आपने नहीं पढ़ा, ज़रूरत भी नहीं उसको पढ़ने की, आप जब यहाँ पे आएंगे आप टेस्ट लगाएंगे तो उसमें जो है आपका वो क्वेश्चन भी कवर हो गया, तो फिर ख़त्म हो गई बात। एंड सर योजना एंड कुरुक्षेत्र, हाँ हाँ बोलिए, योजना एंड कुरुक्षेत्र। अच्छा योजना एंड कुरुक्षेत्र, हाँ योजना पढ़िए बस, और वो भी जो है जो सेलेक्टेड कुछ महीने कोई आती है, नहीं तो इतना रेलेवेंट भी नहीं होता है। योजना पढ़िए, उसके 2-4 आर्टिकल्स काफ़ी हैं, सारे आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मतलब एक ही पॉइंट को वो अलग 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 आर्टिकल्स में एक ही चीज़ को वो लोग बताते रहते हैं, तो सिर्फ योजना और वो भी सेलेक्टेड, और वो भी 3-4 आर्टिकल्स, तो उसका स्टार्टिंग का पेज होता है बहुत अच्छा होता है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू सर। और सीसैट में यार मेरे, मैंने पहले बार 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दूसरी बार 62, तीसरी बार 60, तो सीसैट में भी ज़्यादा अटेम्प्ट करना इज़ द की, एटलीस्ट फॉर मी इट वर्क्ड, और ज़्यादा यार तभी हो पाता है जब आप इंग्लिश को भी थोड़ा अटेम्प्ट करें, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इंग्लिश में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर 2013 से 21 इसके जो कॉम्प्रिहेंशंस को आप लगा लेंगे, उसके बाद जो है आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग एक आपकी डेवलप होगी कि यूपीएससी जो कॉम्प्रिहेंशंस पूछता है वो कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। यस और डाउट्स, तो ऑप्शनल डिसीजन अभी तुमने नहीं लिया अभी तक, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चूजिंग ऑप्शनल, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्शनल को चूज करना होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट, बस और कोई फैक्टर नहीं होता। ये सब बाद की बातें हैं कि इसमें इतना नंबर आ रहा है, इसमें इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, इसका इतना रिसोर्स मिल जाएगा, इसका ये मिल जाएगा, इसका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वो सब कंसिडरेशन नहीं करना चाहिए यार। मैंने तो पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे लिया था, सिर्फ इंटरेस्ट पे लिया था, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम जो पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड या आईआर से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो पढ़ने बहुत मज़ा आता था, तो मैंने फिर क्या किया। अच्छा देखो मेरा छोड़ो, मैं जनरल अप्रोच एक बताता हूँ ऑप्शन को चूज़ करने का। जैसे कुछ ऑप्शंस आपने लिस्ट कर दिए, जैसे इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग छोड़ के सब लिस्ट कर देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी,
जनरली यही होता है। अब आपने ये कुछ हाईलाइट कर दिए, इनमें से आप एक चूज करेंगे ऑप्शनल। अब क्या करेंगे, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे 5 साल का। अब इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि नहीं, कि यार ये चीज पढ़ी जा सकती है और इन क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है। अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ पाऊंगा, उसका सिलेबस भी देखिए कि ये सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये पढ़ने लायक टॉपिक्स लग रहे हैं, ठीक है, मैं इनको पढ़ सकता हूँ, मैं इनके बारे में लिख सकता हूँ, तो आप उस ऑप्शनल को लीजिए। बिकॉज यार देखो, ऑप्शनल ना मेक और ब्रेक होता है यार, ठीक है। मुझे तो पहली बार में ऑप्शनल में 235 नंबर आए थे PSIR में, और मुझे ना बहुत डाउट हो गया था अपने ऊपर कि यार क्या मैंने एक सही ऑप्शनल चूज किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इसी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 23 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था, और पेपर टू में PSIR में मेरे 104 नंबर आए थे, बाकी सब ठीक था मेरा। तो तब मेरे अंदर डाउट आया कि इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इस ऑप्शनल को सही किया कि नहीं किया। बट फिर अप्रोच चेंज की, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 280 नंबर आए PSIR में, तो फिर मुझे लगा नहीं सही किया, ठीक है। कितना 146 प्लस समथिंग, पता नहीं कितना था, 280 थे। फिर इस बार 314, इसकी वजह से फिफ्थ रैंक आई है, इस ऑप्शनल की वजह से। तो ये आपको ब्रेक करेगा और ये आपको मेक करेगा, इसलिए ऑप्शनल का डिसीजन बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है। आपको 3 साल 4 साल घिसना पड़ेगा ऑप्शनल को लेकर, तो वो ऑप्शनल लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप बार 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 पढ़ सकें बिना उस इंटरेस्ट को खोए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स रखना अपने दिमाग में। देखो इसमें चलो मैं इस बारे में अभी जब मेंस डिस्कस करूंगा ना, तो आई विल गो विद एसे GS एंड ऑप्शनल, मैं डिटेल में इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। अभी प्रीलिम्स को रैप अप करते हैं, पहले सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं फिर रैप अप करते हैं। और प्रीलिम्स को लेके और कोई डाउट? नेगेटिव मार्किंग से भाई, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच पाओगे? वो तो होनी है यार, इसीलिए तो बोल रहा हूं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो एटलीस्ट ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 25-28 क्वेश्चन भी गलत हो जाएं तब भी आप लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आ पाती यार। वहां पे हमको लगता है कि ये सही है, ये ऑप्शन सही है, ये सही है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, लेकिन वहां आने के बाद कुछ और ही निकलता है, जब की आती है तो कुछ और ही आंसर होता है। तो इतना बफर लेके आपको चलना पड़ता है हमेशा कि मेरे 25 से 28 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उतना बफर ले लिया। अब मैं कितने अटेम्प्ट करूं कि मैं लिस्ट में आ जाऊं, तो 90 प्लस आपको अटेम्प्ट करना होता है। ये मेरी स्ट्रैटेजी यार, कई लोग बहुत कम नंबर, मतलब बहुत कम अटेम्प्ट करके भी निकाल देते हैं, बट I'll tell you what I did. Yes, और questions? देखो यार, यही तो बात है ना, इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट। बट उसी का आपका ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है। जब आप DM बनते हैं तो आपके अंडर अराउंड 24-25 डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबको मैनेज करना है। लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी आप बस अपने नोट्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद आप प्री पे जाएंगे, उसके बाद आप मेंस पे जाएंगे। तो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है जो मेरी फेवरेट है, हाउस ऑफ कार्ड्स, आपको पता होगा किसी को, तो उसमें उसका एक डायलॉग है हाउ टू ईट अ शार्क, तो वो बोलता है वन बाइट एट अ टाइम।
तो ये एक शार्क की तरह, इतना बड़ा है यूपीएससी, एक शार्क की तरह है, तो हाउ टू ईट दैट शार्क, धीरे 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 करके, ठीक है, बहुत अपने ऊपर बहुत लोड नहीं लेना है एक दिन में, और एक दिन में रियलिस्टिक टारगेट्स को सेट करिए, ठीक है, कि अगर 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको प्री को देना है तो आप 2 घंटे दे सकते हैं, ठीक है, बचा मेंस का टाइम, उसके लिए आपने 6 घंटे दे दिए, बचे 2 घंटे, इसमें आपने रिविजन कर लिया, समथिंग लाइक दैट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, तो इतना करने के बाद आई थिंक अगर कोई टारगेट छूट भी जाए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, इंसान है, रोबोट नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप सीरियस मत होइए एग्जाम में, बिना सीरियस हुए नहीं निकलती एग्जाम, लेकिन सीरियस भी रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम लाइफ को लाइफ की तरह भी लेना है, ठीक है, एक बार आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली है दिन में, काफी है यार, बस काफी है, जितना टारगेट अचीव हुआ हुआ, नहीं तो नेक्स्ट डे करते हैं। यस, फर्दर क्वेश्चंस हो गया, तो व्हाट शुड वी टेक अ ब्रेक, हाँ पूछ लो एक क्वेश्चन इसका, हेलो सर, सर स्टैंडर्ड बुक से नोट्स कब बनाना रहता है, एक ही रीडिंग बनाना रहता है कि और फर्दर रीडिंग भी करना पड़ता है उसके लिए? यार देखो, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे स्टैंडर्ड बुक से, यार इतनी बड़ी बुक है ना स्पेक्ट्रम और ये लक्ष्मीकांत, हिम्मत ही नहीं होती उसमें नोट बनाने की, तो मैंने क्या किया था, मैं बताता हूँ आपको अपना अप्रोच, कि जैसे एक बार आपने पढ़ा तो उसमें मैंने कुछ अंडरलाइन कर दिया, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर मैंने अब जो जो अंडरलाइन किया हुआ था उसमें से कुछ चीज़ें मुझे याद हो चुकी हैं, अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, तीसरी बार पढ़ा, जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही पढ़ूंगा, उसके बाद उसमें भी कुछ चीज़ें मुझे याद हो जाएंगी, फिर मैं उनको भी काट दूंगा, मैं काटते हुए चलता था हमेशा, मैं जो है अपने नोट्स को छोटा करते हुए चलता था, जब मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ तो जो मैंने हाईलाइट किया और जो मुझे याद हो गया मैंने उनको भी काट दिया, अब चौथी बार जो आपकी किताब बचेगी वो इतनी बचेगी जितना आपने हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको बस किताब खोलना है, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है, एंड इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स, किताब आपकी हो जाएगी पूरी, ठीक है। क्योंकि सारा खेल ही मेंस का है भाई, तो देखिए मेंस का ऐसा है, माय ट्रस्ट विद मेंस हैज बीन लॉन्ग एंड क्वाइट वंडरफुल एज वेल, 3 बार दिया है, तो आई लाइक माय स्कोर्स। ठीक है, तो पहले जो मेरा ऐसे 2019 में मैंने दिया था, तो यार बहुत अच्छा नहीं हुआ था मेरा पेपर, ठीक है, इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने कोई फिलोसफिकल बेस्ड ऐसे लिखा था, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था उसके पहले, तो उसके बाद दूसरा जो एक टॉपिक था वो हेल्थ एजुकेशन पे था, बहुत सिंपल टॉपिक था, तो जब मैंने पेपर दिया था पहला ऐसे का मेंस में, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो मतलब कैसी शुरुआत हुई है मेंस की, बट जब रिजल्ट आया तो 125 आया, विच वॉज डिसेंट। फिर 2020 में जब मैंने ऐसे का पेपर दिया, तो फिर 2020 में क्या हुआ ना कि बिकॉज इट वॉज द सेकेंड अटैम्प्ट, तो मैंने थोड़ा अच्छे से टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई, 7-8 पेपर लगाए, फिलोसफिकल ऐसे को प्रैक्टिस किया, तो बट फिर जब स्कोर आया तो 103, और मेरा 11 नंबर से कट ऑफ मिस हुआ था इस पेपर की वजह से, लेकिन फिर भी फिर ये था कि इस बार फिर से कोशिश किया कि यार ऐसे को और अच्छा करते हैं, फिर और टेस्ट सीरीज लगाई, बिकॉज वही है ना कि एक आध बार डिसअपॉइंटमेंट आ जाए तो मैंने वही कहा कि आपको मतलब डोंट लूज योर हार्ट। 111 है, ठीक है, और GS1 में मतलब दिस हैज बीन अ मिस्ट्री टू मी, क्योंकि मेरा यार पर्सनली हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोसाइटी इतना अच्छा नहीं है, बट नंबर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से यार, तो इसमें मेरे 102 आए थे, और उस साल 106 या 107 ही हाईएस्ट गया था, फिर लास्ट ईयर 96 आए, इस साल 110 हाईएस्ट गया हुआ था, तो इस बार तो वो इतना बढ़िया नहीं था ये वाला स्कोर, ठीक है, तो 96 आए और इस बार 118 आए,
फिर GS2 में 92 आए थे पहली बार में. ये भी सरप्राइज था क्योंकि मेरा ऑप्शनल है RPSIR, तो मुझे हमेशा लगता था कि GS2 तो कर ही लूँगा, बट नहीं हुआ. बट फिर नेक्स्ट टाइम किया तो 108 आए, इस बार 119 आए. फिर GS3 में ये 85 85 92. इसमें किसी के नंबर नहीं आ रहे यार GS3 में, मतलब मुझे जज मत करो तुम लोग, इसमें किसी के नहीं आ रहे. फिर उसके बाद GS4 में 136 104 117. तो ऐसा नहीं कि मैं कम एथिकल हो गया, ऐसा नहीं है. उस साल UPSC में नंबर बहुत दिए गए थे, हाईएस्ट 162 गया था रैंक 6. अब इतने नंबर थोड़ी आते हैं GS में कभी, लेकिन UPSC का वही तो है, कोई भरोसा नहीं है. और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर GS3 में UPSC नंबर अलॉट नहीं भी कर रहा है कुछ टाइम से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप GS3 को इग्नोर करना शुरू कर दें कि यार इसमें तो वैसे भी नंबर नहीं आएंगे तो क्यों पढ़ें. क्या पता अगले साल GS3 में UPSC खूब सारे नंबर जो है दे दे, तब आपके साथ डिसएडवांटेज हो जाएगा. और मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ क्योंकि पहली बार मैंने एथिक्स को इतना तवज्जो नहीं दिया था और उस साल नंबर मिल गया यार अच्छे, तो मेरा तो इतना प्रिपरेशन था भी नहीं. मेरे एथिक्स के नोट्स थे, एक सूरज सूर्यवंशी सर थे, तो ही टू इज़ नो मोर, तो विजन में वो थे, पढ़ाते थे, तो उनके नोट्स पढ़ के बस मैं गया था. 10 पेज के नोट्स कुछ बन गए थे मेरे, बस वो पढ़ के गया था. और फिर भी 136 आ गए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा और पढ़ लेते तो इसमें 150 प्लस बहुत ईजिली लाए जा सकते थे उस साल. ठीक है, फिर उसके बाद 104 हो गया, फिर इस बार 117 हो गया, बिकॉज वापस UPSC थोड़े कम कम नंबर अवॉर्ड कर रही है इसमें. फिर PSIR में पेपर 1 में 131 था पहली बार में, फिर दूसरी बार में 143 था, फिर इस बार 168 है. इसमें 104 था, इसने डैमेज किया था. फिर मैंने इस पर बहुत काम किया, फिर 137 आए, फिर इस बार इसमें 146. तो ये भाई 3 साल का मेरा लेखा जोखा. तो अब मैंने क्या सही किया क्या गलत किया इस बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो पहले ऐसे को लेते हैं, 125 से 103 पे कैसे आए. यार ऐसे का क्या हो गया ना कि अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज मेरे ऐसे में बहुत अच्छे नंबर भी नहीं है, तो मैं बस अपना ओपिनियन बता देता हूँ आपको और फिर आप लोग खुद डिसाइड करिएगा. कि कुछ पिछले कुछ टाइम से जो पहले एक अप्रोच था ना ऐसे को लेके कि बस डायमेंशंस खोल दिए, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ठीक है, साइंटिफिक इंटरनेशनल एथिकल इंस्टीट्यूशनल जो भी है, एनवायरमेंटल. अब UPSC शायद उसको अवॉर्ड नहीं कर रहा है, शायद, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे नंबर कम है, बिकॉज वो बहुत मैकेनिकल अप्रोच है, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग दिखाई नहीं देता इस एग्ज़ाम में, इस ऐसे के पेपर में. और अब तो जो ऐसे के टॉपिक्स आ रहे हैं उनको तो उतने डायमेंशंस में खोलना भी बहुत मुश्किल है. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे को लेके 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊं, वो ये होंगी कि ऐसे को आर्गुमेंटेटिव बनाइए. अपने ऐसे को जो फिलोसॉफिकल ऐसे हैं उनको थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में लिखिए. कैसे, व्हाट डू आई मीन बाय बीइंग आर्गुमेंटेटिव, कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, कि जैसे उसमें क्वेश्चन लिखा आपने कि क्या ऐसा ऐसा हो सकता है, इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गए, लाइफ में इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन क्या यही इसका मतलब हो सकता है, नहीं, हमारे पास ये भी एग्जांपल हैं. तो ऐसे आप आर्गुमेंट दे रहे हैं उस ऐसे में. और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ऐसे इसको सेम स्टाइल में मत लिखिएगा जो आपका ऐसे है. ये नहीं कि अगर आपने पहले में जो डायमेंशन खोलने वाला अप्रोच है वो यूज़ किया तो दूसरे में भी आपने उसी को कर दिया. एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको मैं कोई भी ऐसे दे दूँ, आप उसको उसी सेम टेम्पलेट में बिठा के लिख दोगे. ये जो है इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए एग्जामिनर के पास. उसको लगना चाहिए कि दो अलग अलग ऐसे दिए हुए हैं, तो आपने इतना मेहनत किया है कि दोनों अलग अलग ऐसे इसको आपने अप्रोच किया. ठीक है, और फिर जैसे ऐसे में का टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं आता है, बिकॉज ऐसे के पेपर में आप यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म. तो ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते थे कि मैं क्या करता था, लास्ट पेज पे ऐसे दो पार्ट में उसको डिवाइड करता था और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख लेता था कि ये क्वेश्चन आंसर करूँगा, ये ये ये, कि व्हाट इज दिस, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या, इसका क्या, और कंक्लूड ऐसे कर दूंगा.
और यहाँ पे मैं कि उस क्वेश्चन को जब मैं आंसर करूंगा तो किस एग्जांपल को मैं कोट करूंगा, मैं इस एग्जांपल को कोट करूंगा, फिर मैं इस एग्जांपल को कोट करूंगा। और ऐसे में मुझे लगता है जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो एक होती है आपका फ्लो और दूसरा होता है राइटिंग व्हाट इज आस्क्ड रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंस। आई थिंक अगर आपके ऐसे में ये दोनों चीजें हैं तो आई थिंक 120 का स्कोर, 120 प्लस का स्कोर आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो फ्लो के लिए एक जो तरीका हो सकता है कि आप लास्ट पेज पे एक फ्लो चार्ट बना दें, ठीक है, यहां पे इंट्रोडक्शन, फिर उस, फिर आप ऐसे लिख देना कि यहां मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, फिर मैं एक ऐसा पैराग्राफ लिखूंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस को डिलीनेट करूंगा कि ऐसे में हम ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं फिर काउंटर पर्सपेक्टिव दूंगा, फिर मैं एक वे फॉरवर्ड लिखूंगा या मैं ऐसे को समराइज कर दूंगा और फाइनली मैं कंक्लूड कर दूंगा। अब वो कंक्लूजन में आप कोई पोएम भी बना सकते हैं या आप कोई कोड से भी जो है कर सकते हैं। तो ऐसे आपका जो है फ्लो चार्ट से आप एक फ्लो भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है। और अब रेलेवेंट कैसे वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्या होता है कि आप किसी भी ऐसे के टॉपिक को 3-4 बार पढ़िए, जब आपको वो टॉपिक मिला है यूपीएससी में तो आप उसको 3-4 बार पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद आप उसको हिंदी में भी मन करे लिख सकते हैं उस टॉपिक को देख के, ताकि क्योंकि सारा खेल ही इसके इंटरप्रिटेशन का है। अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया इस टॉपिक को तो दिस पेपर इज गॉन, आप गए बाहर हो आप सीधे, क्योंकि फिर यू विल लैंड अप समवेयर अराउंड 80s 90s। आई हैव अ फ्रेंड, उसके इस बार 78 आए हैं ऐसे में, वो लिस्ट में है बट मतलब शी कुड हैव गॉट मच बेटर रैंक, लेकिन 78 आए ऐसे में, लास्ट ईयर उसके 128 थे, देख रहे हो 40 नंबर जो है चले गए, 50 नंबर जितने भी हैं। तो या एक मेरा फ्रेंड है लास्ट ईयर उसके 150 थे ऐसे में, इस बार 100 नंबर है, ही इज नॉट इन द फाइनल लिस्ट, इतना डैमेजिंग है ये पेपर। इसलिए और वो डैमेज जो होता है सबसे ज्यादा उसका एक ही रीजन होता है, वो होता है कि आपने ऐसे के टॉपिक को ही गलत इंटरप्रेट कर लिया, इसका सबसे बड़ा रीजन ही होता है। तो इंटरप्रिटेशन पे आप बहुत ज्यादा फोकस दीजिएगा, स्टार्टिंग का कम से कम 5-10 मिनट अगर आपको लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरप्रेट सही करेगा टॉपिक को, ठीक है। और ऐसे में लास्ट ईयर मैंने दो टॉपर्स हैं, एक राधिका गुप्ता मैम है, रैंक 18 लास्ट ईयर की, और एक उसी साल के टी प्रतीक राव सर है, ठीक है, इनका ब्लॉग भी है जिस पे इनके ऐसे की कॉपीज हैं। तो इन दोनों के 140 प्लस थे और बहुत बढ़िया ऐसे ये लोग लिखते भी हैं, तो इनके ऐसे को आप जरूर पढ़िएगा, इनके ऐसे को आप जरूर पढ़िएगा। और इस साल भी जिन लोगों के अच्छे नंबर आए होंगे ऐसे में, मुझे पता नहीं, मार्कशीट तो मैंने नहीं देखी बाकी लोगों की, लेकिन जिनके भी अच्छे आए होंगे, आप एक अप्रोच जो है जो मेंस में काफी काम आती है वो आप क्या करिएगा, जैसे टेलीग्राम चैनल जो होते हैं टॉपर्स के, तो आप सब टॉपर के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ठीक है, उसका एक जगह लिस्ट कंपाइल्ड है, एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट करके एक चैनल है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट आपको पता होगा आप लोग को, ठीक है, तो वहां पे एक जगह लिस्ट कंपाइल्ड है इस साल के टॉपर्स की, सारे उसमें टेलीग्राम चैनल्स हैं। तो आप जैसे किसी एक टॉपर के टेलीग्राम चैनल पे गए, वहां पे आपको उसकी मार्कशीट मिली, तो उसके कॉपी में आप देखो कि उसके मार्कशीट में देखो कि कहां पे उसने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो वो अगर मान लो किसी ने GS1 में अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो आप उसके GS1 की कॉपी उठा के देखो, कोई और टॉपर होगा उसने GS3 में अच्छा स्कोर किया होगा, आप उसकी GS3 की कॉपी उठा के देखो। तो ये चीज जो अप्रोच है ना, ये मैंने इस बार काफी की है, इस बार मैंने बहुत सारे टॉपर्स के आंसर कॉपीज को पढ़ा है, चाहे वो GS हो, SA हो, ऑप्शनल हो, तो ये आप जरूर पढ़िए, ठीक है, ये आप एक्सरसाइज जरूर करिएगा, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, ठीक है। तो और ऐसे में बताइए कोई डाउट्स, ऐसे को लेके क्या क्या डाउट्स हैं आपके, ब्रेनस्टॉर्म तो वही है, डायमेंशंस तो जैसे जो जनरली होता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ऐसे पीछे पीछे जो एक पेज होगा उस पे आप टॉपिक को लिख दिया आपने, अब आपने यहाँ पे लिख दिया सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंस्टीट्यूशनल, अब उसके कुछ करंट एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहे हैं या कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहे हैं,
ठीक है, या कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आपने खूब सारे एग्जाम्पल्स को लिख दिया। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने टी प्रतीक राव सर के उसमें पढ़ा था कि ऐसे में यू डोंट हैव टू डंप ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव। आपको ऐसे में अपने नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसे में अपनी राइटिंग स्किल्स का शो ऑफ करना है। तो अगर आपने मान लीजिए ब्रेनस्टॉर्म किया और आपके पास कुछ 10 एग्जाम्पल आ गए, अब इसमें से जो सबसे रिलेवेंट 6 एग्जाम्पल होंगे आपको उन्हीं को ऐसे में लिखना है, और ट्राई करिए वो एग्जाम्पल्स रिपीट ना हो, मतलब सेम टाइप के एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए 6 हो, या जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को यूज़ करना अपने पहले ऐसे में वो दूसरे ऐसे में एग्जाम्पल यूज़ नहीं होना चाहिए। दोनों ऐसे को सेम तरीके से मत लिखिए, दोनों सिमिलर टाइप के टॉपिक्स मत उठाइए, और दोनों में सिमिलर एग्जाम्पल्स मत यूज़ करिए। दोनों ऐसे की यूनिकनेस को मेंटेन करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ऐसे में बताइए, फिलोसफिकल जो आ रहा है यार, देखो उसमें थोड़ा टेस्ट सीरीज लगाओ यार, जब क्योंकि क्या होता है ना कि जब मान लो फिलोसफिकल टॉपिक आने लगे तो अब क्या होगा, जब तुम कोचिंग में टेस्ट सीरीज लगाओगे ऐसे की, तो वो लोग भी अब वैसे ही टॉपिक्स तुम्हें देना शुरू करेंगे, तो अब तुम्हारी धीरे धीरे आदत वैसी बनती जाएगी। तो चलो तुम्हें पहला तुम ऐसे लिखोगे उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होगी, दूसरा लिखोगे उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होगा, उसमें कोई ना कोई होगा जिसके 130 140 नंबर होंगे ऐसे में, फिर तुम उसकी कॉपी उठा के देखना कि उसने उस टॉपिक पे ऐसे कैसे लिखा है, फिर तुम वहां से धीरे धीरे सीखोगे कि ऐसे को फिलोसफिकल टॉपिक के ऐसे को कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें थोड़े बहुत हम लोग कुछ फिलोसफिकल जो लोग पढ़ते हैं GS4 में, ठीक है, प्लेटो, सोक्रेटिस, इन सबको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस बार क्या हुआ, जो टॉपिक था दी प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन आउटसोर्स टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, तो मैंने उस पर लिखा। तो मैंने उसको शुरुआत ऐसे किया था कि अगर हम लोग पीछे चले जाएं, ठीक है, एंशियंट ग्रीक में, तो प्लेटो और सोक्रेटिस में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसमें प्लेटो पूछ रहा है कि मैं अपने आप को डिस्कवर कैसे करूं, ठीक है, हाउ डू आई नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और ये सब फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। तो सोक्रेटिस उसको बोलता है कि डायलेक्टिक्स करिए, ठीक है, डायलेक्टिक्स इज क्वेश्चंस एंड काउंटर क्वेश्चंस। तो इस डिबेट के थ्रू आप अपना जो सेल्फ डिस्कवरी है वो करेंगे। तो ये मैंने लिखा था, दिस इज सिनारियो 1। फिर मैंने लिखा सिनारियो 2। अब आज के टाइम में आप अगर यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने कोई वीडियो देखा, अब उसमें एक और रिकमेंडेशन आ गया, नीचे एक और रिकमेंडेशन आ गया, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का में इंटरेस्ट है, ठीक है, यू हैव डिस्कवर्ड योरसेल्फ कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लाइक करता है, बट हैव यू एक्चुअली डिस्कवर्ड योरसेल्फ कि यूट्यूब ने उसको आपके लिए डिस्कवर करके दिया है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस, जो डिस्कवरी का प्रोसेस है, ये अब टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स होता जा रहा है। फिर मैंने क्या किया कि जैसे एक पैराग्राफ है, तो जो अनुदीप दूरी शेट्टी सर लिखते थे, कि एक पैराग्राफ में फिर मैंने क्वेश्चंस को लिस्ट आउट किया कि इस ऐसे में हम ये सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। फिर और एग्जांपल्स देना शुरू किए कि जैसे टिंडर का एग्जांपल है, ठीक है, आपको आपका मैच आया तो आपको लगता है कि यू हैव डिस्कवर्ड द राइट पर्सन फॉर यू, इज इट, हो सकता है कोई और वहां पे फोटो आ जाती, तो आपने वो डिस्कवर नहीं किया, वो टिंडर ने आपके लिए डिस्कवर करके दिया। तो ऐसे और एग्जांपल्स वगैरह मैंने यूज़ किए थे। फिर दूसरा एक टॉपिक था कौन सा, रिसर्च वाला, रिसर्च इज नथिंग बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, तो वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था टॉपिक, बट फिर भी उसमें मैंने कुछ ना कुछ करते करते इसका एग्जांपल लिखा था न्यूटन का, कि ड्यूरिंग प्लेग वो अपने घर पे थे, फिर उसके बाद अचानक से उनके ऊपर एप्पल गिरा, फिर उसके बाद उनको लगा कि ये नीचे क्यों गिरा, फिर उसके बाद पूरा एक प्रोसेस था, ठीक है, रिसर्च का, और वो एक ब्लाइंड डेट था, इट वॉज लाइक अ ब्लाइंड डेट, उनको नहीं पता था कि इसके बाद उनको क्या नॉलेज उन्हें मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने पूरा रिसर्च किया तो फाइनली उनको नॉलेज मिली ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे लिखा। तो मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब ये सब बहुत सही हो सकता है ना हो, बिकॉज मेरे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने आपका क्या आपको कहा कि जो पुराने 2 साल के जो एक जो 2 लोग टॉपर्स हैं उनकी आप कॉपीज देखिए, और इस साल जिन्होंने ऐसे में अच्छा स्कोर किया है, देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके 130 प्लस है, 140 प्लस है,
उनकी कॉपी को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बताइए ऐसे को लेके कुछ डाउट्स? प्रीलिम्स के पहले ऐसे की प्रिपरेशन, देखो ठीक है, जब आप एवरनोट पे नोट बना रहे हैं तो उसमें एक नोटबुक होगी ऐसे की, फिर उसमें ना जैसे मैं क्या करता था, अब डिफरेंट नोट्स उसमें आ जाते थे, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड टॉपिक एसेज, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें आपके एजुकेशन, हेल्थ, आईआर, ये हो गया फिलोसॉफिकल टॉपिक एसेज जिसमें एक कोट होगा, कोट बेस्ड एसेज होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइंस होंगी कुछ, जो कोट्स वगैरह आपको कोट करना होगा एसे में, ठीक है। और एक टॉपिक होगा कि आप टॉपर की कॉपी से क्या क्या लर्न करते हैं एसेज में। तो जब आप जनरली कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कोई अच्छा कोट आ गया या कोई बढ़िया एग्जांपल आ गया, कोई अच्छी स्टोरी आ गई, कई बार होता है न्यूज़पेपर में इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं रूरल लाइफ से या कहीं से, तो उस स्टोरी को आप जो है मान लीजिए यहाँ आपने एक सेक्शन बना दिया स्टोरीज का, तो आपने उसमें डाल दिया एक कटिंग था कि एक छोटा बच्चा था उसने गांव से निकल के एग्जाम निकाला, ये सब हार्डशिप वगैरह फेस की और फाइनली उसने कुछ एग्जाम निकाल दिया, तो आपने वो स्टोरी यहाँ पे डाल दी। तो अभी आपने बस इतना ही किया है, फिर जब आपका प्री हो जाएगा उसके बाद जब एसे का होगा तब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, फिर आप एसे लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद आप इन नोट्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर के टॉपर हैं 44 रैंक, दिव्यांशु निगम शायद नाम है उनका, ठीक है, दिव्यांशु निगम, उनके एसे में अच्छा स्कोर था, आई थिंक 140 समथिंग था। तो उन्होंने अपने एवरनोट के लिंक डाले हुए हैं, तो उसमें उनके जो भी उन्होंने नोट्स बनाए हैं एसेज के वो सब भी हैं, तो वहाँ से आपको अलग अलग टॉपिक्स को लेके पॉइंटर्स मिल जाएंगे, तो आप उनके टॉपिक को ज़रूर देख सकते हैं। तो जो आपका नोट मेकिंग का प्रोसेस है वो तो प्री के पहले ही हो रहा है आपका, बिकॉज यू हैव द लॉन्ग टर्म विजन इन माइंड कि फाइनली आपको मेंस देना है, ठीक है। आप आईएएस मेंस से ही बनेंगे, प्री से रोकेगा आपको आईएएस बनने से, उसके बाद जब आप प्री निकाल लें तो फिर यू कैन गो फॉर फॉर्मल प्रिपरेशन ऑफ मेंस और फॉर एसेज, ठीक है। और ठीक है, ऐसे को लेके और डाउट नहीं है? फिर नहीं, इस बार यार ऐसा सुनने में आ रहा था कि जिन्होंने हिंदी मीडियम से लिखा है उनके अच्छे नंबर आए हैं ऐसे में, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट ऐसा मैंने सुना है। और ऐसे में चलो फिर ऐसे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा नंबर नहीं है और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आई माइट एंड अप मिस गाइडिंग यू विच आई डू नॉट वॉन्ट। तो अब जी एस पे चलते हैं, ठीक है। जी एस वन, इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और सोसाइटी हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। तो हिस्ट्री में मैं क्या करता था यार, जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं ना, मेरे प्रीलिम्स के ऐसे नोट्स सेग्रीगेटेड हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। किसी ने ब्लॉग विजिट किया ब्रेक में? नहीं किया? थोड़ा तो सीरियसनेस दिखा दो यार, ये थोड़ा क्यूरियोसिटी रखो, कोई कुछ बता रहा है तो एक बार देखो जाके क्या है वहाँ पे। मतलब मैं अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो ब्लॉग पे कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, एकदम सिंपल ब्लॉग है वो। तो देखो वहाँ पे, क्योंकि मैं अपने नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। अभी प्री के साथ मैंने अपलोड नहीं किए हैं बिकॉज मुझे लगा अभी मेंस है, तो जब प्री आएगा तो आई विल राइट अ ब्लॉग अबाउट प्री को भी कैसे हैंडल करना है, कैसे निकालना है। तो जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस सब में क्या होता है कि यू नीड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स आपके आंसर्स में, अब उसके लिए अलग से कहाँ से नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए। तो मैंने जो प्री के लिए जो नोट्स बनाए थे उन्हीं को मैं यूज़ करता था, उन्हीं को मैं रिवाइज करता था और फिर उन्हीं को मैं एक आंसर में रैपअप कर देता था। अब ये आपका एक स्किल होना चाहिए कि कैसे। और अच्छा, आप मेंस के क्वेश्चंस को देखिए, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, फैक्चुअल नेचर के होते हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा एनालिसिस तो मुझे नहीं लगता कि वो मांगते हैं। कोई आर्ट पे क्वेश्चन होगा जो स्कल्पचर के बारे में बात करेगा, ठीक है, या कोई होगा वो विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेगा, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन होगा कि मुगल्स के बारे में वो बात करेगा। तो इन सब क्वेश्चंस को आप तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक आपके पास वो रिक्वेस्टेड फैक्ट्स ना हो, और वहाँ पे वो प्रीलिम्स के जो आपने फैक्ट्स याद किए थे, जो रटे थे, वो वहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी ऐसे ही चलता है, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, वॉल्केनो पे होगा,
या अर्थक्वेक्स वगैरह पे होगा, या जो है जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं उन पे होगा, या प्रोसेस अर्थ के प्रोसेसेस पे होगा, या इंडस्ट्रीज़ वगैरह इंडिया में या वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं, तो अलग से इसका नोट्स कहाँ बनाएंगे मेंस के लिए? बिकॉज जब आप इनके बारे में लिखेंगे, जब आप वॉल्कानो के बारे में लिखेंगे या इंडस्ट्रीज के बारे में लिखेंगे, तो आपके पास वो फैक्ट होने चाहिए कि वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो जैसे डायग्राम आपने बना दिया, अब देखिए यहाँ से डाइवर्ट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, डायग्राम्स पे। अब लोग बोलते हैं कितने डायग्राम बनाने चाहिए कितने नहीं बनाने चाहिए। तो देखो, एक भैया है, लास्ट ईयर 32 रैंक है, तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि कंटेंट इज द किंग, एंड आई थिंक नथिंग कैन बी ट्रूअर देन दैट। मैंने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, जहाँ पे ज़रूरत है, ज्योग्राफी में ज़रूरत है वहाँ आपने यूज़ कर लिया, हिस्ट्री में ज़रूरत हो सकती है वहाँ आपने यूज़ कर लिया, लेकिन हर जगह ज़बरदस्ती डायग्राम घुसाए हुए हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है, एंड दैट समटाइम्स इरीटेट्स द एग्जामिनर एज वेल। ठीक है, तो आपका सारा फोकस इस पर होना चाहिए, कंटेंट इज द किंग। अगर आप सही कंटेंट लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग वॉट इज आस्क्ड, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपने डायग्राम बनाया है चाहे नहीं बनाया है। तो इस चीज़ को लेके अपने मन में कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दीजिए कि यार सामने वाला बहुत डायग्राम बना रहा है, मैं तो कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, तो मेरे कम नंबर आएंगे उसके ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, दिस एग्जाम इज नॉट एन एग्जाम ऑफ ब्यूटिफिकेशन। ठीक है, आंसर सुंदर बनाने से नंबर नहीं आते, आंसर सही बनाने से नंबर आते हैं। ठीक है, तो वहां से वापस ज्योग्राफी पे मूव करते हैं। तो ज्योग्राफी में भी मेरा वही अप्रोच था, और ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपने कभी देखा है कि नहीं पता नहीं, मृणाल का एक राजनीतिल सोलंकी मैम है। देखो मेरे मेन नोट्स तो यही विजन के ही थे, हर्षवर्धन सर पढ़ाते थे हम लोग को, विजन में ही थे, और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया ज्योग्राफी, बहुत बढ़िया पढ़ाया था उन्होंने। तो उनको मैंने अपने कोर नोट्स बनाए, और मैं क्या करता था, जैसे जिस दिन उनकी क्लास हुई उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया, तो मैं सेम टॉपिक जाके मृणाल पे राजनीतिल सोलंकी मैम के देख लेता था, शी इज एन IRS, और बहुत बढ़िया समझाया इन्होंने आपके, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में जो जो करंट इवेंट से रिलेटेड है, कि ये चीज़ यहाँ क्यों हो रही है या ये चीज़ यहाँ क्यों पाई जाती है। तो जब तक आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा ज्योग्राफी में, तब तक आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, तो इसमें आपका एनसीईआरटी तो मतलब बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी प्लस मृणाल के लेक्चर्स प्लस आपके कोर नोट्स, ये मोर देन इनफ यार, इसके बाहर ज्योग्राफी नहीं जाएगा। इसके बाहर जो आपसे करंट अफेयर्स पूछ भी रहा है ना, वो आपको उसको लाके इसी से लिंक करना है कि उसने क्यों पूछा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए उसको पूछा हुआ यूपीएससी ने। ठीक है, और जैसे सोसाइटी में आते हैं, तो सोसाइटी में भी यार देखो मेरा इतना अच्छा था नहीं, मेरा ऑप्शनल भी नहीं है, तो यहाँ पे विजन के कोर नोट्स जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे, प्लस पेपर से आपको सोसाइटी की कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहती होंगी। ठीक है, इसको करिए, प्लस मेंस 365 प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर अर्बनाइजेशन एज वेल। ठीक है, सेम गोज फॉर अर्बनाइजेशन एज वेल। तो अब देखिए सोसाइटी में एक और चीज़ है, जैसे जिनका सोशियो ऑप्शनल भी है, तो आपका कोई भी ऑप्शनल जो है ना, दैट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर GS पेपर। आपका GS पेपर पढ़ के पता नहीं लगना चाहिए ये किस ऑप्शनल का है, आपको उतना जनरल टर्म्स में यूज़ करना है। ठीक है, जैसे सोसाइटी में भी है तो कुछ कुछ कीवर्ड्स भले ही होते हैं, कोर वैल्यूज़, पेरिफेरल वैल्यूज़, ठीक है, ये वाली फैमिली, जॉइंट फैमिली, डिसजॉइंटेड फैमिली, जो भी फैमिली, तो ये सब आप कुछ कुछ वर्ड्स को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट मोर और लेस आप अपने आंसर्स को जितना हो सके एकदम सिंपली, ताकि वो समझ में आ जाए किसी एग्जामिनर को, बस वैसे ही आप रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस वॉज अबाउट GS1। कुछ डाउट्स हैं GS1 में किसी को, फिर आगे बढ़ते हैं। GS1 यू वॉन्ट टू
यू वांट टू स्किप? यार यू शुड लीव अ टॉपिक और यू शुड नॉट लीव अ टॉपिक विल डिपेंड ऑन वेदर यूपीएससी फाइंड्स इट रिलेवेंट और नॉट. ठीक है, तो अगर तुमको कितना भी बोरिंग लग रहा हो, यार मुझे भी हिस्ट्री विस्ट्री बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है यार. ठीक है, तो इसलिए तो मैंने कहा कि जी एस वन में जो टॉपिक्स हैं वो मुझे दे डिड नॉट अट्रैक्ट मी कभी भी, बट उसमें नंबर हमेशा आए हैं एंड दिस हैज़ बीन अ मिस्ट्री टू मी. यार इस पेपर में ना जैसे ट्राई टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी भी लिख रहे हैं, कोई इंडस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए वो इंडिया में कहाँ पे स्थित है या बाहर कहाँ पे है, उसका एग्जाम्पल आपने लिख दिया. ठीक है, या अगर आप हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, तो अभी अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है जो हिस्ट्री से इवेंट से रिलेटेड है, आप उसको भी लिख सकते हैं. ठीक है, ज्योग्राफी में आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर में आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और सोसाइटी और अर्बनाइजेशन, इसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा यूज़ करिएगा. जो भी टॉपिक्स हों सोसाइटी अर्बनाइजेशन में, उन पॉइंट्स को करंट अफेयर्स के एग्जांपल से सब्सटैंशिएट करिएगा. ठीक है, तो आई थिंक मतलब आ जाएंगे यार ठीक ठाक नंबर जी एस वन में. वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने, मेरे पास नोट्स थे विजन के, विजन में पढ़ाया गया था वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से. विजन में यार सारा टॉपिक कवर कराते हैं अच्छे से, ये बात अच्छी है. ठीक है, दे डू नॉट लीव एनी टॉपिक. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बस आपको जो पढ़ाया जाए क्लास में आप उतना ही पढ़िएगा, बाकी आप पीछे मत भागिएगा. बाकी जो आप टेस्ट लगाएंगे उस टेस्ट में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, उसको वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा. और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यू कैन मेक यूज ऑफ डायग्राम्स. ठीक है, तो और जी एस आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, हाँ वो भी डिस्कस करते हैं. देखो आंसर राइटिंग में क्या है ना, इसमें कुछ टॉपर्स हैं, मैं उनका नाम लिखूंगा, आप उनकी कॉपीज को जरूर देखना. ठीक है, पहली तो दिव्या मिश्रा मैम है, लास्ट ईयर 28 रैंक थी, इनकी कॉपी देखिएगा. सेकंड जागृति अवस्थी मैम है, और लक्ष्मण तिवारी करके एक सर है, इनके मेंस का स्कोर बहुत अच्छा है यार. इन्होंने दो बार एग्जाम निकाला और दोनों बार मेंस से ही निकाला है. इनका भी मेंस का स्कोर अच्छा था 870 या 860 समथिंग, और इनका भी, इनका जीएस का स्कोर बहुत अच्छा 460 या 450 के आसपास का स्कोर था इनका जीएस का. तो इन तीनों को जरूर, इनकी कॉपीज को आपको जरूर देखना है फॉर आंसर राइटिंग, एंड पर्टिकुलरली दिव्या मिश्रा मैम. ठीक है, अब इनमें खासियत क्या था, वो खासियत ये था कि शी यूज टू सब्सटैंशिएट ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, और वो मैंने इस बार भी किया हुआ है. इस बार मैंने कोशिश की कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को, एग्जांपल्स को यूज़ कर सकूं. ठीक है, और वो चीज़ तभी आती है व्हेन यू हैव अ गुड कमांड ओवर करंट अफेयर्स, और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही बात की थी, न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए. ठीक है, पहला हो गया यूजिंग एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल भी कैसे यूज़ करना है, जैसे मान लो आपने एक पॉइंट लिखा, मैंने ऐसे एक पॉइंट लिख दिया, फिर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल था, मैं यहाँ पर अलग से एग्जाम्पल लिखता था ऐसे करके, और इसे गोल कर देता था ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि मैंने इस पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए इस एग्जाम्पल को लिखा हुआ है. ठीक है, दिस वॉज समथिंग आई यूज टू डू. ठीक है, और आंसर राइटिंग में क्या है कि देखो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. तो अब इंट्रो में क्या होगा, मेरा जनरली ये फंडा रहता था कि कोई डेटा को कोट कर दे, इसके लिए मैंने अलग से एक मेरा नोटबुक था जिसका नाम था वैल्यू एडेड मटेरियल. तो उसमें एक नोट था डेटा एंड फैक्ट्स का, एक था कोट्स का, ठीक है, एक था कमिटी और कमीशन का, और एक था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का. और ये सब कहाँ से मिलता है, न्यूज़पेपर से और टेस्ट सीरीज से ये सारा डेटा मिलता है. तो मेरा ये फंडा होता था कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले उसके इंट्रोडक्शन में मैं कोई एक डेटा कोट करूँ. अगर डेटा आपके पास नहीं है तो आप कोई जो है उसको कोई करंट एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली ऐसा ऐसा हुआ,
वो भी नहीं है तो आप सिंपली टर्म को डिफाइन कर दीजिए। फिर अब बॉडी जो होती है, बॉडी में कुछ सब पार्ट्स होते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल दी सब पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्जामिनर को ये बात समझ में आ रही है कि आपने सारे सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके पॉइंट्स को लिख दिया है, तो आपको वो एक ठीक ठाक नंबर ज़रूर देगा, ठीक है। और जब आप सब पार्ट्स को लिखें तो बॉक्स में ऐसे में इंक्लोज कर देता था, जैसे कोई टॉपिक है उसमें दो सब पार्ट है, इसको बॉक्स में लिखा पॉइंट पॉइंट पॉइंट, फिर सब पार्ट पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ऐसे करके फिर फाइनली कंक्लूजन कर देता था मैं कंक्लूड, ठीक है। देखिए आप वे फॉरवर्ड लिखें ना लिखें, आप कंक्लूजन ज़रूर लिख के आइए, बिकॉज यही आपके आंसर को एक कंप्लीट होने का इंप्रेशन देता है, तो कंक्लूजन ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। अब जैसे एग्जामिनर आया, एग्जामिनर ने आपका आंसर देखा, आपने एक डेटा से शुरुआत की, फिर आपने एक सब पार्ट को आइडेंटिफाई किया, आपने उसके तीन चार पॉइंट लिखे, फिर दूसरा सब पार्ट, फिर कंक्लूड किया। अब एग्जामिनर देख रहा है आपने सब कुछ तो लिख दिया, कुछ बचा कहाँ है इसके अंदर लिखने के लिए, अब तो वो देगा ही आपको नंबर, क्यों नहीं देगा वो, बस हाँ बशर्ते ये है कि आपने रेलेवेंट लिखा हो, जो पूछा है वो लिखा हो आपने, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग में, देखो एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे जागृति मैम में और जो है लक्ष्मण तिवारी सर में, यार ये लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लिखते थे, जैसे कोई एक सब पार्ट है तो इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स करीबन 7-8 नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, फिर दूसरा सब पार्ट है उसमें 7-8 नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो जो कॉपी थी वो एक इंप्रेशन देती थी कि पूरी कॉपी अच्छी खासी भरी हुई कॉपी है, और वो सिर्फ बकवास लिख के नहीं भरा है, बहुत ही रेलेवेंट चीज़ें लिख के भरी हुई है उन्होंने। तो कोई एक समझ लो तुम एग्जामिनर हो, कोई एक इंसान है उसने जो है ऐसे सब पार्ट बना के 4 पॉइंट लिखा और किसी ने यहाँ 7 पॉइंट लिखा, तो ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा कंटेंट इसके आंसर में मिल रहा है, तो तुम उसको इससे एक नंबर तो ज़्यादा ही दोगे, दोगे ना। तो एक ये चीज़ मैंने की कि इस बार मैं पहले पिछले दोनों बार से ना नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत कम लिखता था, 4 से 5 पॉइंट लिखता था, बट इस बार जो है मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स को अपने बढ़ाया जीएस में, और इसलिए इस बार का जैसे मेरा 2019 में जो जीएस स्कोर था वो 415 था, 2020 में 393 था, और इस बार 446 है। तो उसका एक ये रीज़न था कि क्योंकि मैंने ज़्यादा सब पार्ट्स लिखे हैं, ज़्यादा सब पार्ट के अंदर अपने पॉइंट्स को लिखा हुआ है, तो इट गेव एन इम्प्रेशन कि एग्जामिनर को दिख रहा है कि मैंने मेहनत की उस आंसर में, और अब सब पार्ट्स में नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे बढ़ाएं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप पहले ही लिख देंगे, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, उसके बाद कुछ पेरिफेरल पॉइंट्स होंगे उससे रिलेटेड, उनको आप लिख देंगे। तो एक बार एग्जामिनर ने पहला पॉइंट पढ़ा वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, दूसरा पढ़ा वो भी जरूरी निकला, इन पॉइंट्स में आपने ऑलरेडी डिमांड को हिट कर दिया है क्वेश्चन के। उसके बाद ये सब तो फिर ऐसे ही पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, खाली जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है कि पैराग्राफ वर्सेस पॉइंट्स। अब देखिए इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं तो दोनों को यूज करता था। कई बार जैसे क्या होता था कि एथिक्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो एक सिंपल क्वेश्चन होंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा 2-3 पेज में, तो ऐसे टाइम पे पॉइंट्स काम नहीं आता है, ऐसे टाइम पे आप उसको एक छोटी सी स्टोरी की तरीके से लिखेंगे और सारे उसको एक पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करते हुए लिखते चलेंगे आप, ठीक है। और फिर ज़्यादातर तो देखिए ज़्यादा 90% ऑफ द टाइम सेट इज पॉइंट्स, ठीक है। और फिर जैसे कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन लिखा, फिर यहाँ पे आपने सब पार्ट बना के कुछ एक्सप्लेन किया, अब कई बार आपको जब उसको डिफरेंट दो अलग अलग टाइप के डिसजॉइंटेड पार्ट्स हैं तो आपने कैसे लाइन बना दी, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक बॉक्स बना के फिर कुछ पॉइंट्स लिख दिए, तो इससे ये दिख रहा है कि आपने अगर दो कोई बहुत ही अलग अलग टाइप के सब पार्ट्स थे तो उनमें आपने एक लाइन बना दी और एग्जामिनर को क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपने एक चीज़ को यहाँ एड्रेस कर दिया, दूसरी चीज़ को यहाँ एड्रेस कर दिया, ठीक है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है देखिए आंसर राइटिंग में कि जो पहले मैं क्या करता था कि पहले मैं 1 से 20 की तरफ जाता था। अब इसका घाटा क्या होता है इस अप्रोच का कि लास्ट में आपके पास जब बहुत कम टाइम बचता है, ठीक है, लास्ट में आपके पास 10 मिनट जब बचते हैं तो आप 15 मार्कर्स में पैनिक मोड में बहुत डैमेज करते हैं, ठीक है। मैंने वो डैमेज किया है, जैसे मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है तो उसने मेरी कॉपी, एक टेस्ट की कॉपी सेम GS3 की और जागृति मैम की कॉपी उठा के देखी, ठीक है, मेरे 109 थे उस टेस्ट में और उनके 120 थे,
तो उसने ये देखा कि मेरे इतने कम नंबर क्यों हैं, उनके 120 कैसे हैं। तो फिर ये उसी का फाइंडिंग था, उसने मुझे बताया कि लास्ट में आते आते क्या हो रहा है ना, 15 नंबर वाले मुझे किसी में 3 नंबर मिल रहा है, किसी में 2.5 नंबर मिल रहा है, और मैम को लगातार 7, 7.5 ऐसे ऐसे नंबर मिल रहे हैं। तो एंड तक आते आते मैं इतना डैमेज कर दे रहा हूँ कि मैं इनसे 11 नंबर पीछे हो चुका हूँ यहाँ पे। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने इस बार 15 मार्कर्स को पहले किया। आई स्टार्टेड विद 11, 20 तक गए, 1 से शुरू किया 10 तक गए। अब ये मैंने जीएस में भी किया, ऑप्शनल में भी किया। ऑप्शनल में पीएसआईआर में क्या होता है, 10, 15, 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले मैं 10 करता था, फिर 15, फिर 20। इस बार मैंने पहले 20 किया, फिर 15 किया, फिर 10 किया। अब इस अप्रोच का फायदा ये होता है कि जब 10 नंबर में आप डैमेज कर रहे हैं, 10 नंबर में अच्छा आंसर लिखेंगे 5 नंबर मिलेगा, डैमेज करेंगे 3 नंबर मिलेगा। 15 वाले में अच्छा आंसर लिखेंगे 8 नंबर मिलेगा, डैमेज करेंगे 3 नंबर मिलेगा। देखिए यहां 5 नंबर का डैमेज कर रहे हैं, तो सारा खेल यहीं पे हो जाता है। तो लेकिन इस अप्रोच का एक जो मैं आपको डाउन साइड या डिस्क्लेमर ये दूंगा कि इस अप्रोच में ना, इस वाले में जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है यार। बिकॉज क्या होता है कि जब आप 15 मार्कर्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपका इतना समय खा जाता है कि जैसे मेरे साथ हर पेपर में यही होता था कि मेरे पास 10 नंबर के लिए सिर्फ एक ही घंटा मिलता था मुझे, क्योंकि 2 घंटे मेरे 15 मार्क्स में चले गए। तो अब आपको एक घंटे में 10 क्वेश्चंस को करना है 1 से 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, पर क्वेश्चन आपको जो है 6 मिनट मिलेंगे। और एंड तक आते आते क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एकदम कुछ भी इंसान लिखना शुरू कर देता है, कुछ भी लिखता है जो मन में आए लिख देता है, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जहां से सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं, वो 15 मार्क्स वाले हैं, और वहां मैंने अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया। इसलिए ये मेरे स्कोर को, इस अप्रोच ने मेरे स्कोर को बहुत खींचा है ऊपर, 393 से 446 ये अप्रोच लेके गई है मुझे, कि जो मैं 15 मार्क्स से डैमेज कर रहा था उस डैमेज को मैंने हटा दिया। तो इसको आप जरूर ट्राई करिए, जब आप टेस्ट लिखेंगे तो इस अप्रोच को आप ट्राई कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो आप देखिए कि आप जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग तो मैंने डिस्कस किया, GS1 पे वापस आते हैं। GS1 में और कोई डाउट्स बताइए आप लोग, आर्ट एंड कल्चर के लिए बस एक ही सोर्स है, NCERT, फाइन आर्ट्स की NCERT प्लस एंशियंट और मेडिवल में कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी मिल जाए। यार देखो हिस्ट्री में ना, मैं आपको बता देता हूँ कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, एंशियंट में ओल्ड NCERT, मेडिवल में न्यू NCERT, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम प्लस न्यू NCERT। ये न्यू NCERT जो है ना यार, ये प्रीलिम्स में बहुत काम आती है। किसी ने पढ़ी नई NCERT मॉडर्न की, उसमें बहुत सारे नए नए फैक्ट्स आपको मिले होंगे जो स्पेक्ट्रम में नहीं है, और UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए सिर्फ फाइन आर्ट्स के NCERT की जरूरत है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि नितिन सिंघानिया की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो, मैंने पढ़ी भी नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है। फाइन आर्ट्स NCERT, आई थिंक हिस्ट्री के लिए दिस इज मोर देन एनफ ये सोर्सेस। और GS1, हेलो हेलो, यार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का यही है कि उनको ब्रेक करो, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, उनमें कुछ की टर्म्स होंगे, अगर तुमको कुछ भी नहीं पता तो उन की टर्म्स को डिफाइन कर दो, उससे रिलेटेड कुछ अगर न्यूज़ में तो उसको लिख दो, ठीक है। और जैसे मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो इंट्रो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप डेटा या करंट एग्जांपल या डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या लिखना होता है। कंक्लूजन में ऐसे मैं बना लेता था पेपर पे, अब ऑलमोस्ट हर आंसर इसमें फिट हो जाएगा। कोई भी जब आंसर कंक्लूड करना है, मान लो अर्बनाइजेशन पे है, तो उसमें आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि इट विल हेल्प अस अचीव SDG गोल नंबर ये,
या मान लीजिए डिसएडवांटेज सेक्शन पे कोई क्वेश्चन है, तो वो हम लोग को हेल्प क्या करेगा, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर ये अचीव करने में हेल्प करेगा, और जो इक्वालिटी की बात होती है पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। या कोई क्वेश्चन है विमेन पे है तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट विमेन। तो जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो एग्जामिनर को ये समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये एक अच्छा अप्रोच है कंक्लूड करने के लिए, ठीक है। और कई बार कंफ्यूजन होता है वे फॉरवर्ड के लिए जाएं या कंक्लूजन के लिए जाएं, तो अगर समय कम है जगह कम है तो ऑलवेज गो फॉर कंक्लूजन ऑलवेज, क्योंकि वे फॉरवर्ड कई बार पूछा भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा तो आप यहां पे नंबर लूज करेंगे, एक नंबर गया आपका, ठीक है। चलिए वापस जीएस वन पे आते हैं, डाउट्स जीएस वन वाले। हेलो सर, शुड वी राइट विजन आईएएस असाइनमेंट ऑन डेली बेसिस? लिख दो। और यार मैं नहीं करता था इसलिए मैं क्या बोलूं, अब लिख दो यार उसमें क्या है। कंक्लूजन अभी मैंने बताया ना, हाँ कोई कोई भी आंसर को कंक्लूजन के बिना मत छोड़ना यार, बिकॉज इट विल लीव एन इंप्रेशन दैट द आंसर इज इनकम्प्लीट। नो आंसर कैन बी कंप्लीट विदाउट अ कंक्लूजन, कैन इट बी? बट देन हाउ विल द sense of completeness arrive in that answer? How will the examiner know that the answer is complete unless you conclude it? I think it is my advice to write the conclusion. It is always a good approach to write the conclusion. Conclusion samajh mein nahi aata geography mein. देखो हिस्ट्री में तो ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि इस इवेंट की वजह से ऐसा हुआ, या इस इवेंट की वजह से हमें ये लर्निंग मिली, या अगर आप उसको कोई प्रेजेंट इवेंट से जोड़ सकते हैं कंक्लूजन में कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ तो आज देखिए ऐसा हो गया, या वर्ल्ड में ऐसा हो गया, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। इसका मतलब एग्जामिनर को पता लग गया कि आपको समझ में आ गया हिस्ट्री, ठीक है। वो एक कोट नहीं है कि दोज हु डोंट अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो जब आप उसको एंड कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ तो हमने उसे ये लर्निंग ली और हमने उसको ऐसे कर दिया। या इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अगर आप आंसर लिख रहे हैं, उसके अर्बनाइजेशन पे लिख रहे हैं, तो आप कंक्लूजन में स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, वहां से वो रिलेट हो जाएगा। और ज्योग्राफी में भी यार क्या कंक्लूजन लिखेंगे टॉपिक वाइज, जैसे उसको डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे कोई थ्योरी है मान लो, ठीक है, मान लो अर्थ की कोई जियोमॉर्फिक थ्योरी है, ठीक है, तो उसके बाद तुम ये लिख सकते हो, जैसे कई सारी थ्योरीज जो होती है ना, हेस की जो थ्योरी है या लाप्लास की थ्योरी है, ये आपस में कई बार इंटर रिलेटेड होती हैं। तो कई बार तुम उसको लिखते हो तो तुम ये कंक्लूजन लिख सकते हो कि इसकी वजह से हमें ये चीज़ अर्थ के बारे में समझने को मिली है, हमें अर्थ के बारे में ये समझने को मिली है इसकी वजह से, या इस थ्योरी की वजह से ये वाली थ्योरी डेवलप हो पाई, या इसकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट कर पाए, ठीक है। या कभी कोई मान लो अर्थ के अंदर की कोई बात हो रही है तो इसकी वजह से इसको फाइंड करने के लिए हम लोग हिग्स बोसोन की तरफ मूव कर रहे हैं, पार्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसको भी अगर तुम करंट इवेंट से जोड़ सकते हो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत स्टैटिक टॉपिक है, तो अगर उनको तुम करंट के साथ जोड़ देते हो तो उससे एक सेंस आता है एग्जामिनर को कि तुम इस टॉपिक को समझते हो, यहाँ पे रिलेवेंस होता है करंट अफेयर्स का। और इसीलिए न्यूज़पेपर्स से जो चीज़ तुमने पढ़ी होती है वो तुम्हारे दिमाग में इतना ज़्यादा अच्छे से रहती है कि तुम उसको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें, तुम उसको वहाँ पे वहीं के वहीं लिख दोगे, ठीक है। और जीएस वन बताइए, ठीक है, फिर विल मूव ऑन टू जीएस टू। देखिए जीएस टू में मेरा दो बार से ठीक स्कोर है यार, 108 है और 119 है। अब इसमें दो सेक्शन, तीन सेक्शन है, पॉलिटी, गवर्नेंस
आईआर। अब देखो, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पीएस आईआर था तो कहीं ना कहीं आई हैड दिस एडेड एडवांटेज कि मुझे चीज़ें मतलब बहुत बॉदर नहीं की मुझे GS2, ठीक है। लेकिन इसका भी आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है एक्चुअली। जब आप ब्लॉग पे जाएंगे ना तो मैंने वहाँ पे पूरा अप्रोच लिखा हुआ है, ऐसे दो नोट्स हैं उसके अंदर, एक जगह GS 1, 2, 3 का है अप्रोच टू राइट आंसर्स और एक जगह GS 4 का अप्रोच है। फिर GS 1, 2, 3 में भी टॉपिक वाइज मैंने अप्रोच बनाया हुआ है कि अगर पॉलिटी से आया तो मैं कैसे उसको अप्रोच करूंगा, गवर्नेंस से आया तो कैसे अप्रोच करूंगा, GS 3 में अगर इकोनॉमी से आया तो कैसे अप्रोच करूंगा, ठीक है, सिक्योरिटी से आया तो कैसे अप्रोच करूंगा, ये मैंने लिखा है। तो इसको खैर आपको ये तो वहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी GS 2 में ये है कि अगर कोई टॉपिक है तो उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो सके तो कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई कमिटी की रिकमेंडेशन, ये कंक्लूजन में आ सकता है GS 2 में कि इस कमिटी ने ये रिकमेंड किया हुआ है और इस तरफ हमें मूव करना चाहिए। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का रूल GS 2 में बहुत ज्यादा है यार, बिकॉज जो क्वेश्चन आते भी हैं एंटी डिफेक्शन से या पिछले बार CBI से क्वेश्चन आया था तो वो करंट अफेयर्स में होता है, CBI हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। तो उसमें जनरल कंसेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करना है। CBI के ऊपर जब क्वेश्चन आए तो आपको इंट्रोडक्शन में ही ये चीज लिखनी होगी कि CBI 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर्स डिराइव करती है, उसके तहत एस्टैब्लिश नहीं हुई है बिकॉज इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वहां से वो पावर्स लेती है अपने, तो वहां से आपने लिखा तो एग्जामिनर को वो मिल गया। देखिए क्या होता है ना कि एग्जामिनर कुछ कुछ की टर्म्स ढूंढता है आपके आंसर में, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन उसके ऊपर है जो हांगकांग में मान लीजिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर क्वेश्चन आ गया, तो अगर उसमें वो जो वर्ड है वन कंट्री टू सिस्टम अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी लिख दीजिए आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं, उन की टर्म्स को आपके वो जरूर होने चाहिए आपके आंसर्स में, ठीक है। जैसे CBI से रिलेटेड DSP 1946 एक की टर्म है, जनरल कंसेंट एक की टर्म है, फेडरल इश्यूज एक की टर्म है, ठीक है। उसके बाद कुछ कमिटी ने कुछ रेकमेंड किया होगा CBI को लेके, वो एक की टर्म है कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी जाए, इसको ठीक है और इंडिपेंडेंस दे दिया जाए। तो ये सब जब एग्जामिनर को दिख जाएगा तो उसके बाद उसको पता है कि आपको सब पता है CBI के बारे में। कुछ करंट एग्जाम्पल में मान लो कुछ स्टेट्स में जहां पे CBI का इशू हो, मान लो वेस्ट बंगाल में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, वो भी आपने लिख दिया, बस हो गया कंप्लीट आपका आंसर, ठीक है। और फिर गवर्नेंस पे आते हैं, ठीक है। गवर्नेंस में कीवर्ड्स का बहुत रोल होता है, जैसे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ठीक है, उसके बाद सिटीजन पार्टिसिपेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इसकी भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। मैंने पूरा एक मेरा नोट है जिसमें गवर्नेंस के कीवर्ड्स हैं, वो भी आपको मिल जाएगा यार, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को जरूर यूज़ करिए और यहाँ पे आप थोड़े डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे सिटीजन सर्विस फीडबैक और फिर ऐसे छोटा सा आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है, कोई भी, और यहाँ पे इनपुट्स फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम स्टैट्यूटरी एक्ट्स, ये हो गया। या कभी आप बना देंगे कैसे पार्टिसिपेटिव अप्रोच, तो इसमें क्या होगा गवर्नमेंट प्लस सिटीजन, ठीक है, प्लस इसमें जो जो आप चीजें डाल पाए वर्ल्ड बैंक, तो इसमें आप कुछ डायग्राम्स यूज कर सकते हैं गवर्नेंस में, यहां पे थोड़ी सी लिबर्टी होती है डायग्राम्स यूज करने की, ठीक है। और 2019 में तो जो गवर्नेंस के क्वेश्चंस थे बहुत ही टफ आए थे यार, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन वो आए थे, बट अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो भी उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव किया जाए, सर्विस डिलीवरी बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। और IR में देखिए, IR में कई बार नॉन PSIR स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो IR के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहला तो आपको पता ही है न्यूज़पेपर,
और दूसरा जैसे मेंस 365 हो गया या आईआर के लिए, ये तो मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा, बट जैसे मैंने ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है थिंक टैंक्स को, ठीक है, जैसे ORF वगैरह है, थिंक टैंक्स हो गया, एम्बेसडर्स को, ठीक है, पॉलिसी ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, PM हैं या ई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ पता लगता रहता है। तो जैसे IRB इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, और एक वो आता है YouTube पे द प्रिंट का, कट द क्लटर, तो इसमें ये आप लोग को पता है कट द क्लटर, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है यार। तो इसमें ज्यादातर IR के टॉपिक्स होते हैं, मतलब आई थिंक शेखर गुप्ता लाइक्स IR अलॉट, तो उसमें IR के टॉपिक्स होते हैं, तो वो बहुत ही लोसेड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बिकॉज उसका नाम ही कट द क्लटर है, तो ही ट्राइज टू डी क्लटर द कॉम्प्लेक्स स्टफ फॉर यू। तो ये आप जरूर देख सकते हैं, ये रोज आता है, आधे घंटे का करीबन होता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहां से आपके IR की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब GS2 को लेकर कुछ डाउट्स लेते हैं। कोई डाउट नहीं है GS2 में, बढ़िया ही है यार फिर तो। हाँ, कैसे एक्सट्रैक्ट कर एग्जांपल्स, जैसे मान लो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है, तो आप न्यूज़पेपर में रोज पढ़ेंगे कि इंडिया ने इसको इतना वैक्सीन भेजा, या इसको छोड़िए अभी श्रीलंका वाला इशू चल रहा है, तो अब इंडिया इसकी क्या हेल्प कर रहा है, ये आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने मान लो विजिट किया है, या हम लोगों ने इतना बिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है, या हम लोग रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, तो बट ऐसा होता होगा, तो मतलब जनरली ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपकी आ गई, अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इंडिया ने इतना जो है हेल्प किया है, ये विजिट हुई है और इतने रिफ्यूजीज के लिए हेल्प किया है, कैंप्स प्रोवाइड किए हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज UN के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा किया है, हम्बनतोता में हम ये कर रहे हैं, वेस्ट कोस्ट टर्मिनल में हम ये कर रहे हैं, तो ये सब आपको न्यूज़ से ही मिलेगा। और जब श्रीलंका के बारे में आप लिखेंगे तो वहाँ पे आप ये सब आ जाएगा, उसमें चाइना का एंगल आ जाएगा, ठीक है, उसमें उसके बाद इसका एंगल आ जाएगा, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन का एंगल आ जाएगा, साउथ एशियन सिक्योरिटी का एंगल आ जाएगा, और इंडिया क्या क्या कर रहा है, नेबरहुड पॉलिसी आ जाएगी, नेबरहुड फर्स्ट, बॉर्डर इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो फिशरमैन का इशू होता है वो आ जाएगा। तो आप हिंदू पढ़िए, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आता है कि इन फिशरमैन को इंडिया ने ले लिया, इसको श्रीलंका ने ले लिया, तो वो एक इशू हो गया ना इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। तो आपने बस अपने अपने नोट्स में ये लिख लेना है कि ये फिशरमैन का इशू है, इतने हमारे इनकार्सरेशन में है, इतने उनके इनकार्सरेशन में है, ऐसे कर दिया, और फिर फाइनली कंक्लूड कर देंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से कि इंडिया मस्ट बी द टाइप दैट लिफ्ट्स ऑल द बोट्स, ठीक है। और नहीं यार, बुक फॉलो नहीं किया मैंने, जो आपने टेस्ट लिखे हैं तो उन टेस्ट में आपको आर्टिकल्स, कोई क्वेश्चन होगा उसमें आर्टिकल लिखा ही होगा, उसमें अमेंडमेंट लिखा ही होगा, उसकी बस लिस्ट बनाते जाइए, एक लिस्ट, जो जो आप टेस्ट दें उनके सॉल्यूशंस में जो भी आर्टिकल्स और जो भी अमेंडमेंट्स और जो भी आर्टिकल और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स जो भी लिखी हो, सबका एक लिस्ट बनाते जाइए और उस लिस्ट को रिवाइज करते जाइए। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही किया था, मैंने क्या किया कि क्योंकि टाइम मेरे पास कम था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जैसे मैंने टेस्ट लगाए, मैंने बताया 43 टेस्ट लगाए, और बस लगाते गया इनको चाहे उसमें जो भी नंबर आया हो। फिर मैंने एक छोटा सा एक नोटपैड था, ठीक है, पेन एंड पेपर बेस्ड, तो उस पर मैं एक कमिटी, कमीशन, डेटा, फैक्ट्स, कोर्ट्स, जजमेंट सब नोट करता गया, और फाइनली कुछ दिन पहले मैंने सिर्फ इस छोटे से नोटबुक को रिवाइज किया और कुछ नहीं, बिकॉज इतने पेपर लगाने के बाद आपके पास आंसर राइटिंग की स्किल आ जाती है, नाउ यू हैव टू एनरिच योर आंसर्स इन सब पॉइंट्स के थ्रू, तो ये जब पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तभी आप आंसर्स को एनरिच कर पाएंगे,
ठीक है, बिकॉज यही आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स फेच करेंगे मेंस के मार्क्स में, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया था, तो इसके अलग से नोट आप बना लीजिएगा, और वो नोट कहाँ से बनाएंगे, वही न्यूज़पेपर प्लस टेस्ट। देखिए इस पूरे सेशन में मेरे मुंह से टेस्ट बहुत बार निकलेगा, बिकॉज वही किया है मैंने, और मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट पे फोकस करिए आप, ठीक है। और बताइए, बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं तो कोशिश करता था, मान लो अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा ऐसे ऐसे, तो मैं उसको ऐसे बॉक्स में डाल देता था, तो कोशिश करो ऐसे अगर कर सकते हो तो। तो उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे डेवलप हो पाएगी, खाली उतना ही पढ़ेंगे आप तो। देखो आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस। अगर आपको वहां से समझ में आ रहा है और मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो आप उस पर आंसर लिख सकते हैं, तो फिर ठीक है, नो इश्यूज। यार न्यूज़पेपर पढ़ने से इतना भागते क्यों तुम लोग, क्या दिक्कत है यार, मतलब थोड़ा समय ही तो लग जाएगा, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आप वो देखिए ना, आप न्यूज़पेपर से श्रीलंका क्राइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें समय ज़रूर लग रहा है। तो वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, क्या चीज़ रिलेवेंट है क्या नहीं है उसको सिर्फ यही बता सकता है और कोई नहीं। यूपीएससी का सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस यही डिसाइड करता है कोई चीज़ रिलेवेंट है कि नहीं, और कुछ डिसाइड नहीं करता। आप सिलेबस को प्रिंट करा के अपने पास रखिए, अपने टेबल पे सिलेबस जरूर रखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ उसको याद करिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट आप उसको अपने टेबल पे जरूर रखिए कि कोई टॉपिक आए तो आप देखिए कि वो टॉपिक किस पेपर में कहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। और उस टॉपिक से जो एक किताब आती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चन होते हैं मेन्स के, आप वहाँ देखिए कि वो किस टॉपिक में पूछा जा रहा है और उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीज़ जब हो जाएगी ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत राइट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, ठीक है। सर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो दैट इज एक्सटर्नल मीडिया ब्रीफिंग्स, आई मीन एमईए ब्रीफिंग्स ऑन YouTube एज़ वेल, और बाकी सारे रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि कोई रिमार्क्स हो गया, कोई ओपनिंग रिमार्क्स हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया, तो आप क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना चाहिए, इज योर ऑप्शनल आईआर? अच्छा, तो देखो PSIR के लिए पर्टिकुलरली MEA की वेबसाइट पे स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ये होता है, ठीक है। तो हर महीने इसको विजिट कर लेना एक बार, ठीक है, एक बार। तो उसमें पूरे महीने का जो भी स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो PM के द्वारा हो या फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा हो या EM के द्वारा हो, वो सब आपको मिल जाएगा। और पूरे उस स्पीच और स्टेटमेंट में, और एक डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर सीरीज होता है, डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर सीरीज, ठीक है, उसको भी आप जरूर पढ़िए, काफी बेनिफिशियल है आईआर के लिए, PSIR ऑप्शनल के लिए। यस सर, आई हेलो ERC यार अब बहुत मतलब नहीं पढ़ने का, आप पेपर उठा के देखिए एथिक्स का। एक तो पहली बात ERC बहुत पुराना भी हो गया है, ठीक है, और मैंने तो जो विजन का समरी आता है ERC का वही पढ़ा था, ठीक है, और उसका भी बहुत यूज़ मुझे नहीं लगा, ERC का एसएस मुझे तो बहुत यूज़ नहीं लगा यार पेपर में, ठीक है। बट अगर इफ़ यू रियली वांट टू रीड इट, तो बस विजन का समरी पढ़ लो, क्योंकि वो छोटा सा है, बहुत टाइम मत वेस्ट करो यार ERC के ऊपर प्लीज। सर IR में सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सर न्यूज़पेपर से इसको समझने में। हाँ तो न्यूज़पेपर से नहीं आ रहा है तो इसको देखो ना, कट द क्लटर देखो, या एक भारता फर्स्ट करके आता है फ्रैंक रॉजन परेरा का, ये भी IR के डिबेट्स को बहुत उठाता है। सर मतलब न्यूज़पेपर में सर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सर उसको समझने में, दिक्कत यहाँ नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर मतलब नहीं सर सर मतलब उसको कम कैसे किया जाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कम तो
देखो क्या होता है आईआर में कई बार एक ही टॉपिक पे रोज 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 रोज, जैसे श्रीलंका का चल रहा है अब उसी पे रोज रोज आ रहा है यार, तो एक बार तुमने पढ़ लिया तुम्हारा उसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया क्या चल रहा है, उसके बाद छोड़ दो मत पढ़ो। अगर तुम्हारा आईआर ऑप्शनल नहीं है तो आई थिंक काफी है इतना, एक बार तुमने पढ़ लिया तुमको अंडरस्टैंडिंग हो गई श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या उसके श्रीलंका पे इम्पैक्ट्स हैं, क्या इंडिया पे इम्पैक्ट है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इस कंट्री में, इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो उसके बाद तुम कुछ मत पढ़ो। ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि मतलब तीन चार सब्जेक्ट सर एक साथ क्लास में चलते हैं, तो मतलब उसको डेली डेली तीन चार सब्जेक्ट को मतलब कैसे मैनेज करना है? यार देखो वो जरूरी है तीन चार सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सुबह से रात तक पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद मेरे टॉपर स्टॉक में भी दिमाग सैचुरेट करना शुरू कर देगा, देखना होता ही है। तो पहली बात तो जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है उसको तो आप पढ़िए ही, और उसके बाद आप जो भी उसको पढ़ाया गया फिर आप उसको रिवाइज करिए। आप जब घर पे भी पढ़ रहे हैं तो क्या आप एक ही टॉपिक को लगातार पढ़ सकते हैं बहुत देर तक, या एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं? तो उसके बाद जैसे आपको आज मान लीजिए आपकी क्लास लगी, जैसे मेरी विजन में वीकेंड की क्लास होती थी तो मेरी तीन क्लासेस होती थी, ठीक है, तीन अलग अलग एक ही दिन में 9 घंटे क्लास होती थी 9 आवर्स की। तो आपने इतना पढ़ा, फिर उसके बाद आपको जब टाइम मिला तो जो भी आपको पढ़ाया गया हो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री तीनों को एक एक घंटे रूम में देके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 3 घंटे अगर मैं आपसे बोलूँ सिर्फ यही पढ़िए तो शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर 3 घंटे मैं आपसे बोलूँ मैं एक एक घंटे इस पे दे दीजिए तो शायद आप उसको कर लेंगे, तो आपका ब्रेन सैचुरेट नहीं करेगा। तो डाइवर्सिटी को वो करिए यार, एम्ब्रेस करिए। और सर ये पूछना था सर मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें सर मतलब उसकी मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर, मतलब कितने पेजेस एक दिन में मतलब कवर लगभग हो जाना चाहिए? उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे मान लो 250 पेज की किताब है, एक दिन में 25 पेज पढ़ो, 10 दिन में किताब खत्म, ऐसे डिवाइड कर लो। ओके सर थैंक यू। और GS2 में, GS2 चल रहा है ना, बताइए GS2 में और कोई डाउट? IR में कुछ डाउट GS के पर्सपेक्टिव से फॉर नॉन PSIR स्टूडेंट्स? ठीक है चलो GS3 पे आते हैं फिर। देखो GS3 ना बहुत ही यार वास्ट है, बिकॉज इसमें इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स का होता है इसमें, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ कुछ की टर्म ज़रूर होने चाहिए आपके इकोनॉमिक्स में, जैसे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का इतना है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, तो ये सब चीज़ें कुछ होनी चाहिए। या कभी आप थोड़ा सा ग्राफ को भी GDP को बताने के लिए कि ऐसे आप ग्राफ यूज़ कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है। करंट एग्जाम्पल्स को आप काफ़ी कोट करिए GS3 में, कोई मतलब जितने ज़्यादा आपके डेटा एंड फैक्ट्स होंगे आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट इन GS3, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है किस चीज़ के लिए, PM गति शक्ति, ठीक है। फिर यह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है FPIs, तो इसमें आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंडिया में कितना $44 बिलियन का 2034 तक ऐसे कुछ पोटेंशियल है। उसके बाद आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं, ये हो गया फूड प्रोसेसिंग, ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये यहाँ सेकेंडरी हो गया, ऐसे करके आपने डायग्राम बना दिया। फिर आपने PM कौन सी स्कीम है यार इसके लिए, और एक कोई स्कीम है फूड प्रोसेसिंग के लिए, स्कीम याद है किसी को फूड प्रोसेसिंग वाली? चलो ठीक है एक स्कीम है बट, ठीक है। उसके बाद आप उसके चैलेंजेस लिख दिए क्या होंगे, फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, WTO का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो पाता, MSP का इशू आता है, फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं।
ठीक है, तो कंक्लूड करने में क्या लिख देंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन हेल्प अचीव द ड्रीम ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है आंसर का, या इस पे जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे जाते हैं। इस पे यार मैंने ना एक वो बनाया था, जैसे मेरे नोट्स में आपको मिलेगा, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था इसमें आंसर का। ठीक है, जैसे कोई डिजास्टर है साइक्लोन, तो सबसे पहले इंट्रो में आप लिखेंगे कि कंट्री का सपोज 25% जो लैंड है दैट इज साइक्लोन प्रोन। फिर उसके बाद आप एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि कौन कौन सी एरियाज डिजास्टर वो साइक्लोन प्रोन है। अब वेस्ट कोस्ट भी साइक्लोन प्रोन होता जा रहा है, ठीक है, आपने ये बना दिया। उसके बाद आप मेजर्स लिखेंगे, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। उसके बाद आप समरी में क्या लिखेंगे, कौन सा सेंडाई फ्रेमवर्क है ना डिजास्टर का, ठीक है, पीएम 10-पॉइंट प्रोग्राम एंड सेंडाई फ्रेमवर्क शुड बी दी वे फॉरवर्ड फॉर एन इफेक्टिव एंड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसे करके कंक्लूड कर देंगे। अब कोई भी डिजास्टर हो, बस डिजास्टर का नाम चेंज करना है यहाँ पे, अर्थक्वेक, तो यहाँ पे डेटा बदल गया, यहाँ पे डायग्राम बदल गया, बाकी सब सेम, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, कंक्लूजन में पीएम 10-पॉइंट प्रोग्राम एंड सेंडाई फ्रेमवर्क। ये डिजास्टर में हर सबका फ्रेमवर्क मेरा बन गया था। या इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें जैसे नक्सलिज्म है या इंसर्जेंसी है, तो इस सब में डायग्राम का काफ़ी रेलेवेंस होता है। नक्सलिज्म है तो आपने ऐसे डायग्राम बना दिया इंडिया का, ठीक है, ठीक है, फिर आप ऐसे आपने पॉइंट आउट किया रेड कॉरिडोर, ऐसे पशुपति टू तिरुपति ऐसे बोलते हैं रेड कॉरिडोर। फिर आप जो है लिखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, तो डायग्राम का स्कोप GS3 में काफ़ी है यार, पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और डेटा फैक्ट्स काफ़ी याद करने पड़ते हैं GS3 में डेटा फैक्ट्स प्लस करंट एग्जांपल्स प्लस डायग्राम। आई थिंक GS3 में दिस इज गुड टू गो, बट जैसे मैंने आपको बताया मेरा GS3 में स्कोर कम था, 85, 85, 92, तो इस बार जिन लोगों का कुछ, जिनका 100 के अराउंड स्कोर हो, 100 अराउंड, उनके GS3 का कॉपी जरूर देखिएगा, वो एक्स्ट्रा क्या लिख रहे हैं। और वो अप्रोच जो है ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने वाली, वो यहां पे भी काम आती है, वो हर जगह जीएस में काम आएगी, ज्यादा पॉइंट्स लिखने वाली अप्रोच, ठीक है। और GS3 में बताइए कुछ डाउट्स। नहीं, इकोनॉमी की कोई बुक मत पढ़िए, कोई पॉइंट नहीं इकोनॉमी की बुक पढ़ने का। इकोनॉमी के लिए आई थिंक जब तक आपका फंडामेंटल्स क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, आपके जो विजन के नोट्स होंगे, प्लस आप उसको करंट अफेयर्स से सब्सटैंशिएट कर देंगे, प्लस गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे इकोनॉमिक सर्वे का समरी प्लस बजट, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि GS3 में डेटा बहुत ज़्यादा है पर्टिकुलरली इकोनॉमी के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना है, ठीक है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, हमारा GDP का टारगेट कितना है, हमारा इन्वेस्टमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रेशियो कितना है, ये सब चीज़ें कुछ कुछ याद होनी चाहिए आपके आंसर्स में लिखने के लिए, ठीक है। और giving this data like Indian economic growth like 4%, 5%, so we have to constantly upgrade that or yes, constantly, okay. Or generally I start an answer with data definition और ये सब definition लिख सकते हैं जहाँ पे, if you don't remember a data आप definition लिख सकते हैं, but I generally start with the data। ये मेरा first attempt से approach रहा है यार। एंड GS आंसर राइटिंग के लिए अनुदीप सर की बुक जरूर पढ़िएगा, इनकी एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ SA and GS राइटिंग। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इनकी उस समय बुक नहीं आई थी, तो मैंने इनका ब्लॉग पढ़ा था,
फिर सेकेंड अटैम्प में इनकी बुक पढ़ी, तो इससे जो बेसिक्स है ना आंसर राइटिंग के यार, वो काफ़ी क्लियर हो गए थे। जो जैसे GS2 में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लिखना, या आर्ट एंड कल्चर में डायग्राम बनाना, या डिजास्टर मैनेजमेंट में डायग्राम बनाना, या इकोनॉमिक्स में जो है ग्राफ्स यूज़ करना, या वर्ल्ड हिस्ट्री में डायग्राम बनाना, ये मैंने यहीं से पिकअप किया था इनसे। ठीक है, क्रेडिट वेयर ड्यू। और बाकी तो मैंने आपको टॉपर्स की बताई थी, जागृति मैम, लक्ष्मण तिवारी सर और दिव्या मिश्रा मैम। आंसर राइटिंग में इनकी कॉपी ज़रूर देखना GS को लेकर। ठीक है, और बताइए GS3 में कुछ डाउट्स? यार उसमें रघुराम राजन का क्या था, हाँ बुक तो था, तो उसमें उनका कुछ कोट होगा किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो शायद वो उससे था, बैंक से रिलेटेड कुछ होगा। तो जब भी बैंक का क्वेश्चन आएगा, जैसे उसमें एक ओवरड्राफ्ट का भी जिक्र है, ओवरड्राफ्ट, ये उर्जित पटेल की बुक है। तो जब बैंकिंग का क्वेश्चन आए तो वहाँ कहीं आप जो है ओवरड्राफ्ट का रेफरेंस देखें कि उर्जित पटेल ने लिस्ट आउट किए थे कि NPS की समस्या है, या NPS की समस्या ऐसे सुलझाई जा सकती है 4R अप्रोच से। ठीक है, रिकॉग्नाइज, रिजॉल्व, ठीक है, ऐसे रीस्ट्रक्चर, तो कुछ कुछ बुक्स का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, डोंट ओवर डू इट, बट कभी कभी बुक्स का भी रेफरेंस दिया जा सकता है, रघुराम राजन की कोई बुक हो। ठीक है, और एनीवन? चलो वील मूव ऑन टू GS4 देन। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक स्टैटिक है और एक केस स्टडीज है। तो देखो GS4 में मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज ये बताई थी कि जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई रखिए GS4 को। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स को यूज करने मत जाइएगा आप लोग GS4 को लेके। अगर कोई टॉपिक है, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑनेस्टी का, ठीक है, तो आपने पहले ऑनेस्टी को एक्सप्लेन किया, आप सिंपल लैंग्वेज में ऑनेस्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑनेस्टी मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ एंड स्टेइंग ट्रू टू वन सेल्फ। सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल दे दीजिए कि डिलीजेंटली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, या यूजिंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेस इन एन इकोनॉमिकल मैनर, ये भी एक ऑनेस्टी है। एग्जाम्पल दे दिया, फिर इसमें कुछ सब पार्ट्स होंगे, फिर आप सब पार्ट्स में आएंगे। आपने ऐसे बॉक्स बनाया, फिर आप सब पार्ट्स में आएंगे कि ऑनेस्टी क्यों जरूरी होती है, बिकॉज इट री इन्फोर्सेस इंटेग्रिटी। ठीक है, डेवलप्स ट्रस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे ऐसे लिख के आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर को। ठीक है, या कोई अगर आपके पास ऑनेस्टी को लेके कोई कोट हुआ कि अगर XYZ ने कहा है कि ऑनेस्टी विल टेक यू फार इन लाइफ, ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं इस कोट को, इस कोट के थ्रू, इस ऑनेस्टी के आंसर को। तो GS4 में जैसे कभी कभी स्टैटिक में कुछ स्कॉलर्स का कभी यूज कर लिया, वो कौन कौन से स्कॉलर्स होते हैं इसमें? PSIR के थोड़े स्कॉलर्स काम आ जाते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, हम लोग महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए हम लोग जो है BR अंबेडकर को कोट कर सकते हैं। ठीक है, मींस वर्सेस एंड्स में हम लोग हमेशा गांधी वर्सेस मैकियावेली का डिबेट डाल सकते हैं, या कांट, इमैनुअल कांट का अप्रोच। तो ये सब आप जो है लिख सकते हैं इसमें, बट ऑब्वियसली यू शुड नॉट ओवरडू इट, इसको ओवरडू मत करिएगा। और आपके पास एक मटेरियल रेडी होना चाहिए GS4 में, जिसमें आपका हर जो सिलेबस का कीवर्ड है, जो भी GS4 का सिलेबस, GS4 सिलेबस, उसका जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं उसको आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे उसका सिंपल टर्म्स में अपने पास, और एक एग्जांपल रखेंगे। अब वो एग्जांपल कहाँ से हो सकता है, मान लीजिए पर्सनल लाइफ से हो, लेकिन पर्सनल लाइफ एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी मत लिखिएगा जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए पेपर में, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, डायरेक्शंस को पढ़िएगा ध्यान से, कहीं पे भी किसी भी प्रकार आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। या दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडिया में हिस्ट्री से
राजा राम मोहन रॉय एंड ऑल, रविन्द्रनाथ टैगोर और ये सब, ठीक है, या करंट एग्जांपल्स है. अब करंट में कोई बड़ी पर्सनालिटी हो सकती है, या आईआर के उससे इंटरनेशनल रिलेशन से आपने किसी को उठा लिया, मान लीजिए आपने नेल्सन मंडेला को उठा लिया, या किसी को नोबेल प्राइज मिला हो किसी चीज़ के लिए उसके लिए उठा लिया, या कैलाश सत्यार्थी के बारे में लिख दिया आपने. तो ये एग्जाम्पल प्लस ये डेफिनेशन, इसकी लिस्ट यार आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए. जैसे मैंने इसको प्रिपेयर किया हुआ इस लिस्ट को, ठीक है, ये मेरे ब्लॉग पे था, तो आप कभी जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल दोनों होंगे. तो वो भी मैंने भी जब उसको बनाया था तो टेस्ट सीरीज से बनाया था, प्लस एक फोरम की बुक आती है एथिक्स की, रेड बुक, रेड हैंड बुक, अच्छी बुक है, वहाँ से, प्लस मेरे अपने विजन के नोट्स तो थे ही, प्लस न्यूज़पेपर्स और प्लस टॉपर की कॉपीज. यहां से आपके एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है. जैसे केस स्टडीज की अगर बात करते हैं, इसमें हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता है केस स्टडीज का क्या किया जाए. तो केस स्टडीज में क्या होता है यार, कि पहले जैसे एक अप्रोच था कि लोग बोलते थे कि पहले आपने इंट्रो लिख दिया, फिर आपने स्टेक होल्डर लिख दिया, फिर आपने एथिकल इश्यूज लिख दिए, फिर आप जो है जो पूछा है उस पर आप आ गए. बट आई थिंक जब आप ये हर क्वेश्चन में करते हैं ना, तो यूपीएससी को ये लगता है कि ये चीज़ आपको कहीं कोचिंग में पढ़ाई गई हुई है और आप उसको मैकेनिकली चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो एक ही फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दिस इज द थिंग दैट आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट एसे एंड एथिक्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एसे हो या एथिक्स में कोई भी केस स्टडी हो आपका एक ही फॉर्मेट है, आप उसमें सब कुछ बिठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है. वो एक मैकेनिकल अप्रोच को शो करता है. तो मैंने इस बार क्या किया, जितना पूछा था, जैसे कि इस बार कई सारे क्वेश्चंस थे उसमें से शायद किसी में स्टेक होल्डर नहीं पूछा था, किसी एक में ही स्टेक होल्डर पूछा था, तो मैंने सिर्फ एक में ही स्टेक होल्डर लिखा जहां पूछा है, जहां पूछा है वहीं पे लिखा. एथिकल इशू नहीं पूछा है, नहीं लिखा, ठीक है. तो उसके बाद क्या है, जैसे कोई केस स्टडी है बड़ी सी, तो केस स्टडी आपने पढ़ा और केस स्टडी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि केस स्टडी पढ़ने का सिर्फ एक ही बार टाइम मिलता है, आप दो बार केस स्टडी नहीं पढ़ पाएंगे, इतना समय नहीं है. एथिक्स के पेपर में पेपर पूरा करना इज अ चैलेंज. अब इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, बट मेरा एक ही तरीका है जो मैं तीन बार से कर रहा हूँ, वो ये है कि केस स्टडीज को पहले करता हूँ मैं, 15 मिनट एक केस स्टडी को देके 1.5 घंटे में केस स्टडी निपटा दिया, बाकी 1.5 आवर्स स्टैटिक पोर्शन के लिए दे दिया. क्योंकि देखिए इस अप्रोच का फायदा क्या, देखिए क्या होता है, जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं उनको आप एंड में भी जल्दबाजी में करेंगे तो लिख देंगे, लेकिन एंड में केस स्टडी को जल्दबाजी में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आपने एंड में केस स्टडीज को जल्दी जल्दी पढ़ा तो यू विल मिस आउट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केस स्टडी. आप दो तीन चीजें उसमें मिस कर जाएंगे, क्योंकि केस स्टडीज में बड़े बड़े पैराग्राफ के बीच में कोई बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जिसको आप जब पढ़ेंगे तभी आप उसको आपको समझ में आएगा. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर दिस अप्रोच, कि पहले आपने केस स्टडीज पूरी कर दी उसके बाद आप स्टैटिक पे आ गए, ठीक है. और केस स्टडीज में भी जब आप कुछ कर रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्शन क्या है, तो आप लिखेंगे माय कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप ऐसे करेंगे, या मान लीजिए आपने फ्लो चार्ट बना दिया फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि क्योंकि इमैनुअल कांट और गांधी ने कहा था कि मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई विल गो फॉर दिस अप्रोच एंड नॉट दी अप्रोच बी, ठीक है. तो ऐसे आपने इसको जो है लिख दिया. और जैसे एक और एक चीज़ होती है आंसर राइटिंग में, जैसे मेरा एक जो तरीका था आंसर लिखने का, मैं एंड टू एंड लिखता हूँ आंसर्स. व्हाट डू यू मीन बाय एंड टू एंड, जितना जगह दिया है मैं पूरा भरता हूँ, चाहे अगर 4 पेज भी दिया होगा, केस स्टडी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी पेपर हो, सारे पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 7 पेपर्स की बात कर रहा हूँ, जितनी जगह दी है मैं पूरा एंड तक भरता हूँ. तो आई थिंक यार मुझे तो लगता है कि एक अच्छी अप्रोच है, बिकॉज इससे दिखता है कि आपने अच्छा खासा एक कंटेंट डिलीवर किया हुआ है. बट इसमें वही टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, तो अगर आप पेपर पूरा नहीं कर पा रहे इस अप्रोच की वजह से, देन आई थिंक यू शुड डिस्कार्ड दिस अप्रोच, बिकॉज पेपर पूरा करना इज नॉन नेगोशिएबल. मतलब मेंस में पेपर छोड़ना पाप है, आपने पाप किया अगर आपने पेपर छोड़ा है, तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका, कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, मेरा दो क्वेश्चन छूट गया, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. क्योंकि लोग जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं
उनका नहीं छूटता है पेपर, तो कभी भी ऐसा हो तो ऑलवेज गो फॉर कंप्लीटिंग द पेपर। अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे हैं, दो पेज दिया है आपने, डेढ़ पेज लिख दिया, तीन पेज दिया है आपने, ढाई पेज लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आप इतना स्ट्रक आउट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दीजिए। लेकिन पेपर छूटना नहीं चाहिए, एक आंसर को पूरा लिखने के चक्कर में पेपर छूटना नहीं चाहिए। बट इफ यू कैन फॉलो दिस अप्रोच वेल एंड गुड, अच्छा अप्रोच है, ठीक है। और इस पे जीएस फोर से रिलेटेड अपने डाउट्स बताइए मुझे। कोई डाउट्स नहीं है जीएस फोर में? यार एक लेक्सिकॉन करके बुक बोलते हैं बट मैंने कभी पढ़ी नहीं उसको, ठीक है, जब नहीं पढ़ा तब भी नंबर आ गए इसका मतलब जरूरी नहीं है वो बुक। एथिक्स, एथिक्स के सोर्सेस में लिख देता हूँ, एक तो मेरे विजन के नोट्स, एक एथिक्स का फोरम का रेड बुक, ठीक है, मार्केट में लुकमान का भी मिलता है, इसके भी आप केस स्टडीज और नोट्स पढ़ सकते हैं, अच्छे हैं, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। टॉपर्स की आंसर कॉपीज, अब ये आंसर कॉपी सोर्स कैसे हैं? ये आंसर कॉपी सोर्स हैं फॉर एग्जांपल्स, क्योंकि कई बार इंटेग्रिटी पे आप कुछ और एग्जांपल लिखेंगे, कोई टॉपर कुछ और एग्जांपल लिखेगा, तो आप उसकी कॉपी पढ़ के उसका भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। एग्जांपल्स के मामले में टॉपर्स की कॉपीज एक सोर्स बन जाती है आपके लिए, ठीक है। पांचवा टेस्ट सीरीज, छठवा न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल्स। यार एथिक्स में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, एग्जांपल्स मतलब राइटिंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हेल्प्स, कि कोई अगर टॉपिक है, कोई अगर क्वेश्चन है, तो उसमें आपने उसको इंट्रोडक्शन दिया, एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर आप जो है आप सब पार्ट में आए, आपने लिखा, फिर आपने उसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। ये ऐसा आप देखिएगा, दिव्या मिश्रा मैम की कॉपी देखिएगा आप, वो ऐसे लिखती, वो तो दो तीन एग्जांपल यूज़ करती हैं एक एक पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए, बट आप एक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कोई पॉइंट लिखा, आपने एग्जांपल से सब्सटैंशिएट किया, तो एथिक्स में एग्जांपल से यार बहुत हेल्प होती है, बिकॉज इसका मतलब एग्जामिनर को पता लग रहा है कि आप एथिक्स को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आप समझते हैं रियल लाइफ में हाउ एथिक्स वर्क्स, ठीक है। और कोई बताइए डाउट? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसका मेरा एक अप्रोच ये था, एक मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ था कि जो कोट है पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस कोट को, पहले मैं उसके बारे में लिखूंगा जिसने उस कोट को बोला है। कई बार ऐसे जैसे कोट लिखा रहेगा और यहां पे लिखा रहेगा एम के गांधी, तो पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, कुछ गांधी के बारे में बढ़िया सा आप लिखेंगे, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था इस टाइम पे, या ही वॉज दी पर्सन हु लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस। उसके बाद आप आएंगे कि लिखेंगे महात्मा गांधी लेड अ सिंपल लाइफ, ठीक है, एक सिंपल लाइफ उन्होंने जी, और उसके बाद उन्होंने इन इन वैल्यूज पे वो किया, और इसी वैल्यू के, और इसके बाद इस कोट का ये मतलब है, कोट का मतलब हो गया मीनिंग, पहले आपने लिखा इंट्रो में उस पर्सनालिटी के बारे में, फिर आपने, और ये मैं पैराग्राफ में लिखता था, देखिए जो मैंने आपको बताया ना पैराग्राफ वर्सेस पॉइंट अप्रोच, अब यहां पे पैराग्राफ अप्रोच काम आता है, ठीक है, यहां पे कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, इस कोट को एक्सप्लेन करते हुए एक कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज लाइक अ स्मॉल एसे, एक कोट पे आप ऐसे लिखते हैं, यहां पे कोट पे आप आंसर लिख रहे हैं। तो आपने उनके बारे में लिखा, फिर आपने लिखा कि महात्मा गांधी ने ये कोट कहा था, उसका ये मतलब है। उसके बाद अब आप रेलेवेंस पे आइए कि इस कोट का आज के टाइम में रेलेवेंस क्या है, और फाइनली आप लिखिए कि कैसे हम इन वैल्यूज को अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, तो ऐसे करके आप इसको एंड कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट होता है, राइटिंग अबाउट द पर्सनैलिटी, राइटिंग अबाउट द कोट, द मीनिंग ऑफ द कोट, रेलेवेंस ऑफ द कोट, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और पहले पहले एथिक्स जीएस का पार्ट है ना यार, तो पहले निपटा दो एथिक्स को। क्यों, क्या? हाँ तो जब स्टार्ट होगा कोचिंग में तो पढ़ना, क्या दिक्कत है, बट उसको निपटा देना प्री के पहले। बाद में यार, बाद में बहुत टाइम नहीं मिल पाता यार पढ़ने का, मतलब क्लासेस के साथ थोड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
ठीक है यार, कई बार क्या होता है वो मजबूरी होती है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और आपके सामने प्रीलिम्स है, ठीक है, तो अब कोचिंग का भी जो वो होगा एक प्रायोरिटी होगी वही होगी कि आपको एटलीस्ट इतना कर दें कि आपका प्री निकल जाए, तो उनके पास भी टाइम क्रंच होता है कई बार, तो अगर समय की वजह से नहीं हो पा रहा है तो प्री के बाद फिर करिए, अब क्या कर सकते हैं, मतलब ये तो आपका और कोचिंग का मामला है, मैं क्या बोलूँगा यार इसमें। कौन सी रेफरेंस बुक? अच्छा नोट्स बनाना, उसका तो मैंने अप्रोच बताया ना, कोई बुक पढ़ने का 3-4 बार उसको, पहली बार आपने पढ़ा अंडरलाइन कर दिया, दूसरी बार पढ़ा हाईलाइट कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार पढ़ा जो हाईलाइट किया हुआ है जो याद हो चुका है उसको काट दिया, अब खाली चौथी बार जब पढ़ेंगे तो जितना हाईलाइटेड पोर्शन है जो आपने नहीं काटा है बस वही आपको पढ़ना है, बिकॉज वो चीज़ ऐसी है जो आपको बार बार याद नहीं हो रही 4 बार पढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब आपको बस इतना ही पढ़ना है। नोट्स मत बनाइए यार, आई थिंक स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने में एक अटेम्प्ट निकल जाएगा। कितने रिविजन्स? देखो रिविजन यार मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा पर्सनलाइज्ड है, कुछ लोगों को जल्दी याद हो जाता है, कुछ लोगों को लेट याद होता है, तो मेरा तो ऐसा था कि 3 रिविजन वॉज मोर देन एनफ फॉर मी, 3 रिविजन, और मैं क्या करता था कि मुझे चीज़ें देख देख के याद होती हैं, तो मैंने अपने रूम में दीवार पे हर जगह स्टिकी नोट चिपके हुए हैं, हर जगह खाली स्टिकी नोट चिपके हुए हैं, तो जब लास्ट के 2-3 दिन है सारी किताब छोड़ी, अब खड़े होकर दीवार पे बस स्टिकी नोट्स को स्टेयर कर रहे हैं, जो भी उसमें फैक्ट्स लिखे उनको याद किए जा रहे हैं, तो एंड मोमेंट पे चाहे प्री हो चाहे मेंस हो ये फैक्ट्स आपके दिमाग में रहते हैं आंसर राइटिंग के टाइम पे, तो इन फैक्ट्स से आप अपने आंसर्स को एनरिच करते हैं और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को फेच करते हैं। ठीक है और बताइए GS4। एथिकल इश्यूज के, एथिकल इश्यूज यार वो होते हैं जो गलत होता है, जो चीज़ गलत हो रही है वो एथिकल चीज़ हो, इसका मतलब इसमें ये इशू है कि जैसे सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक एथिकल इशू है। ठीक है डीरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये एक एथिकल इशू है, अपनी ड्यूटी से भागना। ठीक है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ये एक एथिकल इशू है। देखिए एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलेमा के बीच में डिफरेंस समझिए, एथिकल डायलेमा होता है जब दो चीज़ें हैं और वो दोनों सही हैं, इसीलिए डायलेमा है, सही और गलत में कोई डायलेमा थोड़ी होता है, सही चीज़ करनी है और क्या उसमें डायलेमा क्या है, लेकिन जब दो सही चीज़ें हैं उनमें से एक करनी है तब वो एथिकल डायलेमा बनता है कि क्या करें, ये करें कि ये करें, और एथिकल इशू क्या है जो चीज़ गलत हो रही है, ये एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है, ये एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये एक एथिकल इशू हो गया, इस चीज़ को समझिए। और GS4 में ठीक है, तो फाइनली इसमें इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस के भी, योर एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, हाँ यस PSIR यस, लेकिन अब बाकी लोग बोर हो जाएंगे फिर, तो एक काम कर सकते हैं कि मैं इंटरव्यू का थोड़ा बहुत आप लोग को बता सकता हूँ और उसके बाद जो PSIR वाले हैं वो मतलब जो है आ जाए, मैं उनसे अलग से जो है बात कर लूँगा। ठीक है तो देखो या PSIR में कल यार मेरा वहाँ पे शुभ्रा रंजन में एक सेशन भी है, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मैं PSIR को बहुत डिटेल में 1.5-2 घंटे अच्छे से पूरा, नहीं ओपन सेशन है, क्लास है, तो आई थिंक वो लोग YouTube पे अपलोड कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि समवन इज़ वेटिंग फॉर मी काफ़ी देर से, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा वो था, बट ठीक है चलो। तो देखो इंटरव्यू का क्या है कि मैं आई एम नॉट समवन हु इज़ वेरी मच एलिजिबल फॉर इंटरव्यू गाइडेंस, बिकॉज मेरे नंबर बहुत एवरेज रहे इंटरव्यू में, 2019 में 160, 2020 में 157 और इस बार 165। आर एन चौबे सर का बोर्ड था, TC अनंत सर का बोर्ड था, आर एन चौबे सर का बोर्ड था, ठीक है, तो तब हो सकता है यार मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी। तो इसमें क्या है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे होता है,
अब देखिए इंटरव्यू को भी ना मैं ये बोलूँगा कि इसको एक स्टेज की तरह लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इस एग्ज़ाम का यार, ठीक है। और इंटरव्यू की वजह से कम नंबर होने की वजह से बहुत लोग बाहर भी हो जाते हैं, बहुत लोगों की रैंक भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करें, आपके पास होगा आपका डैफ, जब आप प्री निकालेंगे तो आप डैफ वन भरेंगे और जब आप मेंस निकालेंगे तो आप डैफ टू भरेंगे, ठीक है। अब इसमें आपका सारा कुंडली होता है, ठीक है। उसके बाद आपके नाम का क्या मतलब है, जैसे उत्कर्ष का क्या मतलब है, द्विवेदी का क्या मतलब है, मैं इंदौर से हूँ समझ लो, स्वच्छ भारत पे आ जाएगा, मेरा नेटिव अयोध्या है वहाँ से आ जाएगा, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियरिंग करके यूपीएससी में क्यों आ गए तुम, ये आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल से है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएगा, पीएसआईआर ऑप्शनल है तो जो भी आईआर में हो रहा है उस पे आ जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो जो है श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, इंडिया चाइना बॉर्डर। फिर आपका सर्विस प्रेफरेंस, पहले आईएएस क्यों डाला, फिर आईएफएस क्यों डाला, स्टेट प्रेफरेंस, होम स्टेट क्यों जाना चाहते हो, रीजनलिज्म है क्या तुम्हारे अंदर, दुनिया भर का कुछ भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें आप नोट्स बनाइए कैसे, मेरा एक नोटबुक था पर्सनालिटी टेस्ट का, तो उसमें एक नोट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, एक नोट था यूपी, एक एमपी, एक पीएसआईआर, एक करंट अफेयर, ठीक है, एक मेरे कोचिंग के रिव्यूज का, ठीक है। अब जैसे इंटरव्यू में कई बार जो है कंफ्यूजन होता है कि मॉक्स कितने लगाए, तो यार मैंने पहले अटेम्प्ट में बहुत मॉक्स लगाए थे, 23, दूसरे में 7, इस बार 6, और मेरा स्कोर, कोई कोरिलेशन दिख रहा है दोनों में, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक 3 से 4 मॉक्स आर इनफ, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर प्रेजेंट, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बैकग्राउंड इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रादर देन इधर उधर भटकने से अच्छा, ठीक है। आप नोट्स एकदम डेडिकेटेड होकर बनाइए, अपने होम स्टेट पे सारा नोट बनाइए, आपके होम स्टेट का हिस्ट्री क्या है, कब फॉर्म हुआ, इश्यूज क्या हैं, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, फाइनेंस क्या है, ठीक है। आपको अगर अपने होम स्टेट में भेज दिया जाए तो, ये तो मुझसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आपको यूपी भेज दिया जाए तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स जो आप अपनी यूपी लेके जाएंगे, ठीक है। खैर अब तो यूपी शायद जा भी रहे हैं, तो बेसिकली इंटरव्यू में क्या है कि एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में, देखिए मेरे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत कम भी नहीं है, तो ये जो स्कोर है एवरेज वाला, इसका लाने का एक तरीका एक पक्का बता देता हूँ आपको, इससे ज़्यादा आप जितना भी ले आए सच बोलिएगा। अगर वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपने, आपको 20 नहीं पता, बोल दीजिए मुझे नहीं पता, हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं पता, कुछ नहीं आता, मतलब गारंटी है सच बोलने पे इतने नंबर तो आते ही हैं, ये गारंटी है, इसके ऊपर फिर जो भी आप जितने भी आपके आ जाएं, वट एवर योर डेज, बिकॉज इंटरव्यू में लक का थोड़ा सा यार फैक्टर ज्यादा होता है, उस दिन आपको कौन सा बोर्ड मिल रहा है, आपका कौन सा नंबर है, आपसे पहले कौन गया, आपसे बाद का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे कम नंबर है तो मैं सब कुछ लक पे ब्लेम कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरे अंदर कुछ कमी होगी इसलिए कम नंबर है, लेकिन थोड़ा बहुत लक फैक्टर इसमें होता है यार, ये आप रियलाइज़ करेंगे इंटरव्यू में कभी जब जब देंगे तो, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन इतने आउट ऑफ द ब्लू आते हैं, फिर आपको लगता है ये कहाँ से पूछ लिया, या आप कुछ भी रिप्लाई कर रहे हैं सामने वाला जो पैनलिस्ट है वो थोड़ा इरिटेटेड ही है या आपको ग्रिल कर रहा है, बट ये सभी टेक्निक होती है यूपीएससी के। तो कुछ भी हो जाए, इफ यू डू नॉट लूज योर ग्राउंड, अगर आप काम एंड स्टेबल हैं और जो भी आप सच बोल रहे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, यू पोजेस इंटेग्रिटी, तो 160 से कम नहीं आएगा, बिकॉज इसका मतलब 160, देखिए 130 काइंड ऑफ जो स्कोर होता है 130-140, इसका मतलब आप रिजेक्ट हो गए हैं, यूपीएससी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप मेंस में ले आइए तो ले आइए, नहीं तो आप रिजेक्टेड हैं। 160 मतलब ऐसा है कि मेंस देख लो, तुम्हारा होगा तो हो जाए, नहीं तो जो है कोई दिक्कत नहीं है,
180 और 200 काइंड ऑफ स्कोर जो होता है उसमें इसका मतलब ये है, वो इंडिकेशन है कि टू बी इन दी सर्विसेज, ठीक है। तो मेरा तो उन्होंने मुझे मेंस के भरोसे छोड़ दिया कि निकाल ले जाओ तो निकाल ले जाओ, ठीक है। तो इंटरव्यू को लेके अभी से बहुत फ्रेट मत होइए, डू नॉट फ्रेट ओवर इंटरव्यू अभी से, ये क्योंकि होता ये है कि मेंस के बाद आपको 2 महीने का समय मिलता है एंड दिस इज मोर देन इनफ फॉर इंटरव्यू, मोर देन इनफ, बहुत है। उसमें आप मॉक्स लगाएंगे, सूट सिलवाएंगे और अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पिछले 2 बार नहीं की थी बट इस बार की, वो था डिस्कशन विद फ्रेंड्स। मैंने पिछले 2 बार नहीं किया। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और रोज जूम कॉल पे या यहां मान लीजिए सिंधी पार्क चले गए, बैठ गए और फिर कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करिए या एक फॉर्मल तरीके से एक दूसरे का इंटरव्यू लीजिए। ये मैंने इस बार किया फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया, तो विन विन सिचुएशन है। तो जूम कॉल पे जैसे आपने कॉल किया, अब उसने आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछे, आपने रिप्लाई किया, फिर आपने उससे 5-6 क्वेश्चन पूछे, उसने रिप्लाई किया, फिर आप एक दूसरे को रिव्यू करिए। तो इससे आपका भी कई सारे पॉइंट्स आपको उससे मिलेंगे, उसको आपको आपको उससे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, वाइस वर्सा। तो ये जरूर करिएगा डिस्कशन विद फ्रेंड्स इंटरव्यू के टाइम पे। और जिन जिन लोगों के इंटरव्यू में अच्छे नंबर हैं, 200 190 काइंड ऑफ नंबर, उनके मॉक इंटरव्यूज को जरूर देखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू से रिलेटेड कोई डाउट? यार डिफरेंट तो होता है, मॉक इंटरव्यूज और रियल इंटरव्यू में डिफरेंस तो है, क्योंकि यूपीएससी में ना मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं यार। जैसे आप यहाँ पे जो मॉक लगाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा बहुत वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे होता है कि आपके आईआर से आ जाएगा, आपके बैकग्राउंड से आ जाएगा। पता नहीं यूपीएससी में जैसे मुझसे तो बहुत सारे बार बार के क्वेश्चन आते थे, मे बी इसलिए बिकॉज मेरे डैफ में बहुत कुछ लिखने के लिए नहीं था, मेरा उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन खाली था और लीडरशिप वाला खाली था, और अचीवमेंट में भी मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ था जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और हॉबीज में किताब पढ़ता हूँ। तो बोलेंगे यूपीएससी में भी किताब पढ़ते हो, बाहर भी किताब पढ़ते हो, तो क्या पूछेंगे इसमें से बोलो। तो इसलिए मुझसे बार बार के क्वेश्चन बहुत आते थे, जैसे मुझसे फ्रांस पे क्वेश्चन पूछा होता, फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पूछा था क्वेश्चन, क्या लगता है कौन जीतेगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, बाहर क्या इंपैक्ट होगा। उस समय इमैनुअल मैक्रों लीड कर रहा था 52% से वर्सेस मरीन लपेन, तो मरीन लपेन के जीतने से क्या होगा ये पूछा गया था, ठीक है। या मुझसे पूछा गया था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा था नहीं होना चाहिए, ठीक है। या मुझसे उस समय कोविड के बारे में, शंघाई के बारे में पूछा था, या टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, सोशल मीडिया वर्सेज गवर्नमेंट के बारे में पूछा था। तो ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब इन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को आप आंसर कैसे कर पाएंगे, जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं घूम फिरा के, ठीक है। तो फाइनली इसमें लिखा है मैसेज फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, एक ही मैसेज है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट एंड आई होप टू सी यू ऑल इन दिस सर्विसेज।